Hello everyone. Today I am going to start with the second lecture in the topic Indian Constitution. हमने last lecture में Indian Constitution topic start किया था in the paper Legal Aptitude and Logical Reasoning of CSAT. And I hope जो last class में हमने Indian Constitution chapter के अंदर discussion किया था, एक तो मैंने बताया था कि साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर कंट्री, उसका कंटेंट्स क्या है, और एक टॉपिक हमने डिस्कस था प्रीएम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में जो प्रीएम्बल दे रखा है उसके कंटेंट्स, वो सारी बातें हमने डिस्कस की थी. एंड आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई और आपने रिवाइज किया होगा. मूविंग फॉरवर्ड हम उसी टॉपिक में आगे चलते हैं. इन द टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेक्स्ट आस्पेक्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस That is the हमारा टॉपिक वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेदर फेडरल और यूनिटरी, मतलब हमारे देश का जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो किस टाइप की गवर्नमेंट की है, किस टाइप की गवर्नेंस की बात करता है हमारे कंट्री में. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा देश चल रहा है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली ये हमारे यहाँ गवर्नेंस सिस्टम जो है वो फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है. हमारे यहाँ क्या, उसको समझने से पहले हम समझेंगे फेडरल का मतलब क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है. सी, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है द सिस्टम वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स, वेयर देयर इज डिवीजन ऑफ पावर्स. मतलब सिस्टम की सारी पावर्स किसी एक अथॉरिटी के हाथ में नहीं है, रादर देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन टू और मोर अथॉरिटी. डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अथॉरिटी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स. एंड ये फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिसके अंदर, अच्छा एज ए रिजल्ट कह सकता हूं फेडरल सिस्टम है डिसेंट्रलाइज. डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब सारी चीजें एक जगह हो सेंट्रलाइज, और जब सारी चीजें एक जगह ना हो एंड वो अलग अलग लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज. तो कैसे फेडरल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी कह सकते हैं फेडरल सिस्टम को. नाउ इसका जो उल्टा है यूनिटरी सिस्टम, नाम से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है. यूनिटरी सिस्टम इट इज सिस्टम where all the powers it flow from a single authority. सारी की सारी पावर एक सिंगल अथॉरिटी से फ्लो करती है, एक सिंगल अथॉरिटी सिस्टम के अंदर सारी पावर एक्सरसाइज करता है. मतलब कोई पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिविजन नहीं है बिटवीन टू और मोर अथॉरिटीज, rather all the powers are being exercised by a single authority. एंड दैट सिस्टम वी कॉल्ड इट द यूनिटरी सिस्टम. अच्छा जब पावर्स का बंटवारा नहीं है, सारी पावर्स एक ही अथॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज हो रही है, तो कैसे सब कुछ सेंट्रलाइज है, एक ही जगह से सब कुछ हो रहा है. एंड दैट्स वाई वी यूनिटरी सिस्टम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेंट्रलाइज सिस्टम. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द सेंट्रलाइज सिस्टम. क्या होता है, एक ही चीज को बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो अलग अलग तरीके, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको कोई डिस्कशन हो रही है एग्जाम में, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लोग यूज कर लेते हैं और आप उस टर्मिनोलॉजी के बारे में अवेयर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि सब ये क्या गया. अब कहीं किसी ने यूनिटरी की जगह सेंट्रलाइज सिस्टम टर्म यूज कर लिया, आप कंफ्यूज हो गए सब ये क्या चीज है. दैट्स वाई वो सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, सो दैट आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे ना. तो ये तो मोटी पहले ब्रॉडली बात की फेडरल सिस्टम किसे कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम कैसे कहते हैं. तो वो कंट्री जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं and between two or more authorities all the powers are not exercised by single authority,
those systems are called as, and those countries are following federal system. लेकिन जहां पे सारी पावर्स एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा एक्साइज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नहीं है, सेंट्रलाइज वे ऑफ फंक्शनिंग है, दैट सिस्टम कैसे रहे, दोज कंट्रीज आर फॉलोइंग यूनिटरी सिस्टम, दे आर फॉलोइंग द यूनिटरी सिस्टम. नाउ अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो फेडरल सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यूएस के अंदर देयर इज अ परफेक्ट डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. सुना होगा वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट और स्टेट्स, वहां सुना होगा अलग अलग स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप भी होती है, मतलब एक तो कंट्री की सिटीजनशिप है अलग स्टेट, और क्लियर कट डिविजन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. इसे बोलते हैं यूएसए इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फेडरल कंट्री. मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे फेडरल कंट्री है लेकिन यूएसए उसमें बेस्ट है, परफेक्ट फेडरल. ये फेडरल के सारे फीचर्स फॉलो करता है, एंड देन मेन तो है, इसके अलावा और भी जितने ही फीचर्स है फेडरल सिस्टम के होने चाहिए वो सब यूएस में है. दैट्स व्हाई यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल सिस्टम. अगर मैं यूनिटरी सिस्टम की बात करूं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन फॉलो द यूनिटरी सिस्टम. वहां पर डिविजन ऑफ पावर्स नहीं है एंड ऑल द पावर्स दे आर एक्साइज बाय सिंगल अथॉरिटी. यूके इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग द यूनिटरी सिस्टम. नाउ ये एक जनरल मैंने बात बताई. अब हम बात करेंगे हमारे कंट्री के अंदर, सब हमारा कंट्री क्या फेडरल है, आर वी फॉलोइंग, मतलब हमारे देश का जो संविधान है एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या हम फेडरल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं हमारे गवर्नेंस में, या हम यूनिटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो मैं एक बताऊंगा, वो डिस्कशन करते हैं. देखिए हमारे कंट्री में बेसिकली फेडरल सिस्टम है बेसिकली, लेकिन फेडरल सिस्टम के जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो आपके सामने लिखा हुआ तो मेन चीज है कि सर सिस्टम में डिवीजन ऑफ पावर. इसके अलावा और भी बहुत चीज, जैसे अभी बताया मैंने ड्यूअल सिटीजनशिप, एक ही बंदे की कंट्री में दो सिटीजनशिप, मतलब एक तो कंट्री की एक स्टेट की जो यूएसए में है, मतलब यूएसए में सारे फीचर्स फेडरल सिस्टम के हैं. इसका मतलब ये मेन बात मैंने लिखी है फेडरल सिस्टम की, ऐसे यूनिटरी सिस्टम, बट इसके अलावा फेडरल सिस्टम के भी यूनिटरी सिस्टम के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं. तो इंडिया में बेसिकली हम फेडरल सिस्टम है, वी आर फॉलोइंग द फेडरल फीचर ऑफ फेडरल कॉन्सेप्ट, लेकिन फेडरल सिस्टम के जितने भी फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वी डोंट हैव ऑल द फीचर्स, सारे नहीं हमारे में. हमारे में कुछ फीचर्स फेडरल सिस्टम के हैं ज्यादा, कुछ फीचर मतलब ज्यादातर फीचर फेडरल सिस्टम के हमारे कंट्री में हैं, लेकिन कुछ फीचर फेडरल सिस्टम के नहीं है, कुछ फीचर फेडरल सिस्टम के नहीं है. अगर कुछ फीचर नहीं है, राधा कुछ फीचर्स हमारे कंट्री में यूनिटरी सिस्टम के हैं, तो क्या मिक्सिंग हो गई. हाँ बेसिकली हम फेडरल हैं, बेसिकली हम फेडरल कंट्री हैं, ज्यादातर फीचर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वी हैव ऑफ द फेडरल सिस्टम, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर जो फेडरल सिस्टम के होते हैं वो हमारे कंट्री में नहीं. फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप कंसेप्ट नहीं है, एक ही बंदे की डबल सिटीजनशिप है, जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल सिस्टम होता है जो हमारे कंट्री में मिसिंग है, इसलिए मतलब हम परफेक्टली फेडरल नहीं है. और कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिटरी सिस्टम के फीचर जो हमारे कंट्री में है, या हम कई बार यूनिटरी सिस्टम की तरफ बिहेव करने लगते हैं, कई बार हम सेंट्रलाइज टेंडेंसी डेवलप करते हैं, सेंट्रलाइज यानी यूनिटरी सिस्टम, इसलिए हम बोलते हैं इंडिया इज बेसिकली फेडरल, बट साथ में कुछ कई बार हम वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक द सेंट्रलाइज सिस्टम और यूनिटी सिस्टम. इसलिए अलग अलग लीगल थिंकर्स ने, लीगल एक्सपर्ट ने अलग अलग राय दी, आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि जेनिंग्स ने, प्रोफेसर वारे ने, उन्होंने अपनी राय दी है कि साहब हम फेडरल हैं लेकिन हम परफेक्टली फेडरल नहीं है. जैसे कई लोग बोलते हैं वी आर क्वासी फेडरल, वी आर क्वासी फेडरल, मतलब नॉट 100% फेडरल बट वी आर फेडरल, वी आर क्वासी फेडरल, 100% फेडरल नहीं है लेकिन मेनली फेडरल बट विथ सम फीचर्स ऑफ यूनिटी सिस्टम. तो कहते थे ज्यादातर फीचर हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम के, कुछ फीचर फेडरल सिस्टम में नहीं है, रादर कुछ जगह कुछ कॉन्टेक्स्ट में वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम और वी टेंड टू बिहेव लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम. दैट्स वाई हम बोलते हैं हम परफेक्टली फेडरल नहीं है, रादर वी आर ओनली द क्वासी फेडरल. नाउ अब मैं बताऊं आपको कि साहब हमारे कंट्री में ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि फेडरल सिस्टम के फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर बताओ ये मैं वो बता रहा हूं जो हमारे कंट्री में है, लेकिन इसके अलावा और भी फेडरल सिस्टम के फीचर्स होते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं है, राधा उसकी जगह यूनिटरी सिस्टम के. अच्छा ये सब ऐसा क्यों हुआ,
हम केवल एक तरफ नहीं है या एक पर्टिकुलर टाइप चीज फॉलो नहीं करें, क्योंकि एक्चुअली जब हमारे देश का संविधान बना था, मैंने लास्ट समय बताया था 1946 में एक बॉडी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस बॉडी को एक काम दिया गया था कि एक्चुअली आप तो उस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाइए। तो उस बॉडी ने क्या किया था, उस बॉडी के जो मेंबर्स थे उन्हें पूरे दुनिया के अलग अलग कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, और अलग अलग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद अलग अलग कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी अच्छी बातें उनको लगी वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कॉपी कर लिया। तो क्या हुआ, जब आप मल्टीपल कंट्री की चीजों को कुछ वहां से कुछ उस एक कंट्री को दूसरे कंट्री को तीसरे कंट्री से हम फॉलो करेंगे तो ऑटली मिक्सिंग तो होनी है, मिक्सिंग तो होनी है, ठीक है, हम एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं है। हाँ, बेसिकली ब्रॉडली वी आर फेडरल कंट्री, हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रॉडली वी आर यूनिटरी, नो, मिली वी आर फेडरल कंट्री बट साथ में कुछ यूनिटरी फीचर है, 100% फेडरल नहीं है कि कुछ फेडरल सिस्टम के फीचर मिसिंग है। जैसे मतलब मिक्सिंग, जैसे एक मिक्सिंग का मैं एग्जाम्पल दूं, कई बार होता है ना हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बोले साउथ इंडियन प्लेटर, तो उसमें साउथ इंडियन डिशेस खाली आएंगी, अब बोले कॉन्टिनेंटल प्लेटर तो उसमें खाली कॉन्टिनेंटल डिशेस आएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि साहब मैं कुछ साउथ इंडियन का ही मजा लूँ, कुछ कॉन्टिनेंटल का, कुछ नॉर्थ इंडियन का, कुछ पंजाबी डिशेज का, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक डिश आपने अपनी एक प्लेटर खुद तैयार कर रहे हैं खुद अपने से, ठीक है, जो मिक्सिंग आप करें, कुछ आइटम साउथ इंडियन ले लिया, कुछ कॉन्टिनेंटल, कुछ नॉर्थ इंडियन, कुछ पंजाबी डिश है, कुछ गुजराती डिश है, तो क्या होगा, मिक्सिंग होगी। क्योंकि एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड, एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको समझाया कि सब क्यों ऐसा हुआ कि हमारा एक ही पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, क्योंकि हमारा संविधान बनाते समय दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के संविधान पढ़े गए थे, समझे गए थे, और उनमें से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान बनाने के पीछे थी, हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, एंड उनको जो अच्छी अच्छी चीजें लगी अलग अलग कंसेप्ट अलग अलग कंट्री के संविधान में, वो सब हमारे इनकॉर्पोरेट कर लिया। दैट्स व्हाई बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई, ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग दैट बेसिकली हम फेडरल कंट्री है बट 100% फेडरल नहीं है, मेजर चीज हम फेडरल है, मेजरली फेडरल है, साथ में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हमारे में है, लेकिन बेसिकली हम फेडरल है। इसे बोलते हैं एट द मोस्ट वी आर क्वासी फेडरल, फेडरल नॉट 100% बट टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर फेडरल। नाउ अब मैं बात करने जा रहा हूं फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं इन इंडिया जिससे ये प्रूव होता है कि वी आर अ फेडरल कंट्री, बट अगेन ये फीचर जो हमारे कंट्री में हैं, सारे फीचर्स जो फेडरल सिस्टम के होने चाहिए वो हमारे कंट्री में नहीं है, कुछ मिसिंग भी हैं, ठीक है, इसलिए हम 100% फेडरल नहीं, एट द मोस्ट वी आर क्वासी फेडरल। देखिए क्या क्या, नंबर वन, ड्यूअल अथॉरिटी। क्या हमारे यहां टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट, तो क्या अथॉरिटी ड्यूअल है, सिंगल नहीं है, एंड कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइड करती है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपने स्टेट के रिस्पेक्ट में, तो इसका तरीके ड्यूअल अथॉरिटी। तो कैन से दैट ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है कि आप पूरे देश में सिर्फ एक ही सरकार नहीं है, मल्टीपल गवर्नमेंट्स आदि है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके अलावा अलग अलग स्टेट से अपने में से, दैट इज ड्यूअल अथॉरिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम, एंड वी हैव दिस फीचर इन आवर कंट्री दैट प्रूव्स दैट वी आर अ फेडरल कंट्री। Now, second feature of federal system which we have in our country, distribution of power. Distribution of power. ये देखिए क्या है। See, I hope आपने स्कूल में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रेफरेंस आया होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए या पावर का मतलब लॉ मेकिंग पावर की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग को हम लेजिस्लेटिव पावर बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग, लॉ बनाने की पावर। पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक चीज बता दूं आपको, जब कोई आपसे पूछे हु मेक्स द लॉ, लॉ कौन बनाता है, एक तो मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर देते हैं, उनकी गलती नहीं, उनको ऐसा ही बताया गया, गवर्नमेंट लॉ बनाती, गलत, गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती। आपने एक चीज सुना होगा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे कंट्री के तीन पिलर्स हैं,
legislature, executive, judiciary. So now our three pillars of our system: legislature, executive, and judiciary. मैं लिख देता हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर का क्या काम है? टू मेक द लॉज, टू मेक लॉज, टू लेजिस्लेट, टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव काम है टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, टू इंप्लीमेंट द लॉज. एंड जुडिशरी का काम है कि टू इंटरप्रेट द लॉज, कि जो लॉ बन गए हैं अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए. जैसे मान लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी बंदे के अगेंस्ट नोटिस भेज दिया कि साहब आपने ऐसे ऐसे इनकम टैक्स एक्ट के इस प्रोविजन का वायलेशन किया, टैक्स की चोरी की है, आपको पेनल्टी लगेगी. अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के आपने वायलेशन किया है. अब वो बंदा बोलता नहीं, मेरे हिसाब से मैंने वायलेशन नहीं किया, मेरी इंटरप्रिटेशन इस लॉ की ये है एंड इसके साथ मैंने गलत नहीं किया. इसका नाउ डिस्ट्रीब्यूट किसके बिटवीन डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड दैट पर्सन. मतलब डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स एक पर्टिकुलर प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आपने गलत किया, लेकिन उस बंदा बोलता है मेरी इंटरप्रिटेशन मैंने गलत नहीं किया, या मैं जो प्रोफेशनल मुझे गाइड कर रहे हैं या मेरी जो समझ है मैंने गलत नहीं किया. अब वो मैटर कोर्ट में जाएगा, जुडिशरी का, जुडिशरी में कहते कोर्ट्स आते हैं, वहां जाएगा, वो इंटरप्रेट करेंगे कि साहब लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया था और लेजिस्लेचर की इंटेंशन के हिसाब से क्या सही मायने होनी चाहिए, टू इंटरप्रेट द लॉ. ये जुडिशरी काम है. और जुडिशरी में क्या आते हैं? कोर्ट्स आते हैं. क्या आते हैं? कोर्ट्स आते हैं. एग्जीक्यूटिव सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मतलब ऑल द कोर्ट्स आर पार्ट ऑफ जुडिशरी. ये भी चीजें आपकी आएंगी आगे इसी टॉपिक के अंदर आगे डिटेल में. एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें गवर्नमेंट आती है. अच्छा, गवर्नमेंट लॉ को इंप्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती नहीं है. तो गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. मैं यहां लिखता हूं गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. अच्छा, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाएंगे, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब एग्जीक्यूटिव, सब कोई ना कोई लॉ को इंप्लीमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिसर. अच्छा, एक रोड पे ट्रैफिक कॉन्स्टेबल होता है, क्या वो भी ट्रैफिक लॉज को इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है? ये सुनो, इंप्लीमेंट करवा रहा है ना, ठीक है. इसका मतलब बेसिकली जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंप्लॉय, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. दे आर ऑल इन्वॉल्व इन इंप्लीमेंटिंग द लॉज. अच्छा, इसलिए गवर्नमेंट को भूल के लेजिस्लेचर नहीं बोलना, लॉ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. इसलिए मैंने देखो, एंड ये नहीं बोलेंगे हु मेक्स द लॉ, लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, ठीक है. एंड लेजिस्लेचर के अंदर गवर्नमेंट नहीं आती, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव. नाउ अब लेजिस्लेचर में क्या आता है ये बता दूं आपको. लेजिस्लेचर का रोल क्या है? टू मेक लॉस. इसमें क्या कवर होता है? हमारे कंट्री के अंदर एक पार्लियामेंट, जो कि एक ही है पूरे कंट्री में नेशनल लेवल पे, और एक स्टेट लेजिस्लेचर. हर एक स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेचर, ये हर एक स्टेट वाइज. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली वन, वो तो यहां एग्जीक्यूटिव में आ रही है, सिमिलर टू दैट, ये गवर्नमेंट नहीं है वैसे ही यहां पार्लियामेंट पूरे कंट्री के लिए, और हर एक स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वैसे हर एक स्टेट की अपनी लेजिस्लेचर होती है, ठीक है. अच्छा, मैं पार्लियामेंट के अंदर क्या लोकसभा राज्यसभा आते हैं? यस, ठीक है. तो दोनों बॉडी को हम कंबाइन कर पार्लियामेंट बोलते हैं. इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसका पार्ट माना जाता है. मैं सब डिटेल में आगे बताऊंगा. स्टेट लेजिस्लेचर हर एक स्टेट का, सुना होगा विधानसभा, सुना होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट लेजिस्लेचर है. ये क्या है? कुछ स्टेट्स के अंदर दो बॉडीज होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सारे स्टेट में. सब चीजें डिटेल में इसी चैप्टर में आगे आएगी, इसलिए मैं अभी जवाब नहीं ले रहा, इसी चैप्टर में आगे आएगी. देखिए, कुछ स्टेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल बिहार, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, फॉर एग्जांपल कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको दो बॉडीज हैं इन द स्टेट लेजिस्लेचर. एक विधानसभा बोलते हैं, विधान परिषद. विधानसभा इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन ज्यादातर स्टेट में सिंगल ही बॉडी है स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब असेंबली तो सभी स्टेट्स में है, लेकिन साथ में काउंसिल भी कुछ स्टेट्स के अंदर, सभी स्टेट में नहीं है. मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब वो है पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है. अब देखिए, ये जब मतलब लेजिस्लेचर, तो ये बॉडी जाती है,
पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर? अभी मैंने हु मेक्स द लॉ, लेजिस्लेचर, अब एक चीज रही है। इसके बाद लॉ मेकिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम यहां बात करेंगे, एक बार एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी तो मैंने बता दिया, बट अभी उसकी बात नहीं करते। लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या आता है? एक तो पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं एक बात बता रही हूं, जरा ध्यान सुनिएगा, जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं और जितने भी लॉज बने हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट दे रखी है, और आप सबने सुना जरूर होगा उसके बारे में, आपको डिटेल में समझ लिए क्या चाहिए। और वो तीन लिस्ट के अंदर जो मैटर्स दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं मैटर्स के ऊपर लॉ बनता है, उसके बाहर कोई लॉ नहीं बनता। एंड वो क्या लिस्ट है मैं बताता हूं। लॉ बनाया कौन? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर? अब देखिए आप, इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के तीन लिस्ट रखी है, उन लिस्ट के अंदर अलग अलग मैटर्स हैं, उन्हीं पे लॉ बन सकता है। बनाया कौन? लेजिस्लेचर। इसे अल्टीमेट जितने भी लॉ बन रहे हैं ऑन द मैटर्स गिवन इन थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लास्ट का होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ ऑल लॉज, सारे लॉज का ओरिजिन किससे है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस एंगल से भी चीज को समझ सकते हैं ना। वो तीन लिस्ट कहां दे रखी है मैं बताता हूं, देखिए आपको, देखिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 448 आर्टिकल्स आज के दिन, एंड जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और उसके लास्ट में 12 शेड्यूल्स है, कितने? 12 शेड्यूल। तो 12 शेड्यूल में तो शेड्यूल नंबर 7 है, 7 शेड्यूल। ये सब याद करने की चीजें, कौन से शेड्यूल में दे रखा है, तो 7 शेड्यूल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मार्क कर लीजिएगा, 7 शेड्यूल में दे रखा है तीन लिस्ट। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब आपको याद आएगा, हां कुछ स्कूल में पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, कहां दे रखा है? इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 12 शेड्यूल से लास्ट में 7वें शेड्यूल में तीनों लिस्ट दे रखी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, इज अंडर विच शेड्यूल द लिस्ट, थ्री लिस्ट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट। अच्छा, यहां पे 97 मैटर्स हैं, या 97 सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, ऐसे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज अप टू 97 यूनियन लिस्ट में, और हर एक आगे कोई ना कोई मैटर लिखा हुआ है, मतलब इनके ऊपर लॉ बन सकता है, एंड ऐसे 97 तक जाता है। एंड ये जो नंबरिंग है उसको एंट्री नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर, सीरियल नंबर है लेकिन टेक्निकली यहां बोलते हैं एंट्री नंबर, क्या बोलते हैं? एंट्री नंबर, दिस नंबरिंग इज टेक्निकली कॉल्ड एंट्री नंबर, इसको हम एंट्री नंबर बोलते हैं। नाउ ऐसे स्टेट लिस्ट में 66 मैटर्स हैं, 66 एंट्रीज हैं 1-2, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 47 एंट्रीज हैं, और अलग अलग एंट्री में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो लॉ बनते हैं। ये जो तीन लिस्ट है इसके बाहर कोई लॉ नहीं बनता, जो भी लॉ बनता है ऑन एनी ऑफ द मैटर्स गिवन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लॉज बने हुए हैं और जितने भी लॉज बन रहे हैं आगे बनेंगे, वो इनमें से किसी ने किसी सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में कहीं ना कहीं कवर्ड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं, इसके बाहर कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, लॉ इसके बाहर नहीं बनता, लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। अभी मैंने बताया लेजिस्लेचर में क्या आता है, एक तो पार्लियामेंट और एक हर एक स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर? अब देखिए सिर्फ वो लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में दो बॉडीज आती हैं। अब देखिए यूनियन लिस्ट मैटर पे, अब तीन लिस्ट बने भी जो कारण है, लॉ तो इसकी लिस्ट में इन पे भी बनता है, इन पे ही बनता है, इन पे ही बनता है, फिर तीन पार्ट में क्यों डिवाइड किया? उसके रीजन है, रीजन क्या? देखिए यूनियन लिस्ट मैटर लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, हु कैन मेक द लॉ? पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। स्टेट लिस्ट मैटर्स में लॉ कब बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर, जो विधानसभा और कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, दैट इज पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों, बोथ। तो मैंने बताया सब अल्टीमेटली लॉ इस तीनों लिस्ट से बाहर कुछ नहीं बनता, और लॉ बनाता कौन है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या आता है? पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर।
तो पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है ये यूनिलिस्ट मैटर बनाता है, स्टेटलिस्ट मैटर पे स्टेटलिस्ट से बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर भी। तो कह सकता जो लॉ मेकिंग पावर है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, के सारे चीजों पे लॉ क्या पार्लियामेंट बना सकते? नो, पार्लियामेंट सिर्फ किस पे लॉ बना, यूनिलिस्ट मैटर पे, कॉन्करेंट लिस्ट पे बना सकती है, लेकिन स्टेटलिस्ट मैटर पे पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाते, ओनली यू कैन मेक स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव पावर है क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो हर एक स्टेट का। अच्छा एक बात इस और इंटरेस्टिंग है इसमें, जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है क्या वो पूरे पार्लियामेंट और पूरे कंट्री में एक ही है, देश की संसद, तो क्या वो लॉ पूरे कंट्री के लिए एक होगा? यस। लेकिन जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है ऑन सम स्टेटलिस्ट मैटर, तो क्या अलग अलग स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर अपने अपने स्टेट के लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट लॉ बना सकती है? यस। इसलिए एक चीज इंटरेस्टिंग समझने वाली बात है कि लॉ बहुत प्रैक्टिकल चीज है, लोगों ने क्या कर रखा है स्कूल में या कॉलेज में क्या बता रखा है लॉ याद कर लो इसमें लॉजिक एकदम नहीं, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, अगर समझो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, मैं अगर अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, आई एम बीएससी मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में से मैंने मैथ्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ्स ऑनर्स में आई हैव बीन अ वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने जब सीएस किया, मतलब जो बच्चों को लगता है कैलकुलेशन बहुत, और कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किया, LLB किया फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई फाउंड द लॉ मोर चैलेंजिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल है। आज की सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है हर चीज लॉ से गवर्न, बताया लास्ट क्लास में, हर चीज लॉ से गवर्न हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है, तो उसकी डिटेलिंग के लिए अलग लॉज है। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट वो यूनियनलिस्ट के मैटर में बना हुआ, मतलब ये 97 में किसी मैटर में बना हुआ है, देखो पूरे कंट्री में एक जैसा इनकम टैक्स एक्ट चलता है, ये नहीं कि स्टेट टू स्टेट में कोई फर्क आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लॉज हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मोटर व्हीकल्स एक्ट एक है, मोटर व्हीकल्स एक्ट जो अलग स्टेट का अलग अलग होता है, वो स्टेटलिस्ट मैटर पे है, किस पे? स्टेटलिस्ट मैटर पे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली के अंदर अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, हेलमेट मस्ट है, लेकिन हेलमेट और दोनों जो भी मतलब आपको जो राइडर है जो चला रहा है उसके साथ जो बैठा है सबके लिए मस्ट है, लेकिन कई स्टेट्स के अंदर आप देखोगे साहब वहां पे टू व्हीलर पे हेलमेट मस्ट नहीं है, क्यों? मोटर व्हीकल्स एक्ट हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से बना हुआ है, क्यों? वो स्टेटलिस्ट मैटर बना हुआ है एंड वो स्टेट टू स्टेट वेरी। अब छोटी सी बात है, वन इज टू अंडरस्टैंड ये फर्क क्यों आ रहा है। ठीक है, कई बार देखो कार में क्या होता है, मैंने देखा है कई स्टेट में कि साहब सीट बेल्ट आपको फ्रंट पे जो बैठे लोग, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे इसके अलावा जो फ्रंट सीट पे जो बैठे, कई स्टेट के अंदर खाली ड्राइवर के लिए मैंडेटरी, अदर पर्सन जो फ्रंट में बैठा उसके लिए मैंडेटरी नहीं, ये फर्क क्यों आ रहा है? मोटर व्हीकल्स एक्ट अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट के बने हुए, बिकॉज स्टेटलिस्ट मैटर पे, दैट्स व्हाई उसमें फर्क आ रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। लेकिन जो यूनियनलिस्ट मैटर पे पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनते हैं वो पूरे कंट्री के लिए। अच्छा पॉइंट ये था, इतनी चीजें मैंने समझाई समझाने के लिए कि सब ये कंसेप्ट कैसे कैसे, इसे समझ में आया तीन लिस्ट है कहां तरह के सेवन शेड्यूल में एंड कैसे कैसे लॉ बनते हैं, लॉ बनाता कौन है, वो सारी बातें। ठीक है, क्या होता है डिस्कशन से दिमाग खुलता है, एक पॉइंट रख लिया, इसलिए कई बार देखो ना किसी बच्चे बोलता बेटा ये जानते हो, हाँ वो जानने का मतलब आज के दिन देखा है ज्यादातर लोग के साथ के उन्होंने वो नाम सुन रखे हैं, वो जानते नहीं है। अच्छा बोला अच्छा आप जानते हो इसके बारे में कुछ बताओ, वो एक सेंटेंस अगला सेंटेंस नहीं बोल पाता क्योंकि समझ ही नहीं है ना, कोई डिस्कशन नहीं करता, कोई बताता नहीं है, कोई एनालाइज नहीं करता। ठीक है, एंड इसलिए हम बोल ही नहीं पाते। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं चीजों को आप समझे, क्योंकि सब तक समझ ही नहीं है तो आगे कैसे कुछ होगा। एनीवे आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्या लॉ मेकिंग पावर क्या एक ही बॉडी के पास नहीं, आपको कुछ लॉ मेकिंग कुछ मैटर पे लॉ कौन बनाएगा पार्लियामेंट, कुछ मैटर पे कौन बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें लॉ मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके लिए तीन लिस्ट बनाई गई। अच्छा अगर सारी लॉ मेकिंग पावर एक ही बॉडी के पास होती तो तीन लिस्ट की जरूरत क्या थी, हम सारे मैटर्स प्रेस्क्राइब कर रहे थे कि इन इन पर लॉ बन सकता है, बट एक ही बॉडी बनाना है। लेकिन क्योंकि हमने डिवाइड किया पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बिटवीन द सेंट्रल लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसके लिए तीन लिस्ट बनाई, और ये लिस्ट कहां पे मेंशन है, इन सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ऑफ द फेडरल सिस्टम, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
अभी मैंने बताया सिस्टम के तीन पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, मतलब ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, ना जुडिशरी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए काम नहीं कर सकता। मैं लास्ट क्लास में वैसे बताया था कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, इज सुप्रीम, एंड पूरे कंट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कुछ भी हो रहा है करने वाला या तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन ही पिलर सिस्टम के, तो इन सब के ऊपर सुप्रीम, मतलब नीदर द लेजिस्लेचर नॉर द एग्जीक्यूटिव नॉर जुडिशरी कैन डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आप सबके ऊपर है एंड आप सबको संविधान के हिसाब से काम करना है एंड यू कैनॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए क्या है हमारे कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशरी जो है, अभी तीन पिलर्स हैं लेकिन तीनों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो जुडिशियल जो कोर्ट्स आते हैं जुडिशरी में क्या होते हैं, सारे कोर्ट्स कवर्ड है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट इन द सेंस दैट इसको ना तो लेजिस्लेचर कंट्रोल कर सकता है ना एग्जीक्यूटिव। अच्छा एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है, कभी सुना है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट को ऑर्डर दिया, कभी सुना है? उल्टा तो होता है कि साहब कोर्ट ऑर्डर्स द गवर्नमेंट, ये तो होता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना। तो ना तो लेजिस्लेचर जुडिशियरी कंट्रोल कर सकता है और ना एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे, स्वतंत्र है, ठीक है। हाँ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी बताना तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम करना है, लेकिन इन तीनों में आपस में कंपेयर करें तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में कोई भी जुडिशियरी कंट्रोल नहीं करता एंड जुडिशियल कोर्ट्स अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नीदर द लेजिस्लेचर नॉर बाय द एग्जीक्यूटिव एंड दैट इज। तो ये भी एक फेडरल कंट्री का, फेडरल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक और फीचर होता है जो हमारे कंट्री में है। जो यूएसए मैंने बताया बेस्ट एग्जांपल फेडरल, यूएस के अंदर कोर्ट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये कोर्ट्स आपको कोई भी गवर्नमेंट कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता बिकॉज जुडिशरी कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, दैट इज द वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम, ये हमारे कंट्री में भी है। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान रिटन है, ओरल नहीं है। कुछ कंट्रीज के संविधान जो है ओरल है एंड ओरल कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर फीचर होता है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होना चाहिए और हमारे कंट्री का भी संविधान रिटन है, लिखित है एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री, दैट्स वाई वी कैन से दैट वी आर अ फेडरल कंट्री, वी आर फेडरल। तो ये कुछ फीचर्स मैंने डिस्कस किए, ड्यूअल अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ओवर ऑल द थ्री पिलर्स, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र रूप से काम करती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देश का संविधान रिटन है, ये सब क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये अच्छे याद करें फेडरल सिस्टम के जो हमारे कंट्री में। लेकिन अभी मैंने बताया था कुछ फीचर्स फेडरल सिस्टम और भी होते हैं जो हमारे कंट्री में नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट 100% फेडरल, वी आर फेडरल टू अ लार्ज एक्सटेंट, वी आर द मोस्ट क्वासी फेडरल, मैंने समझाया था ना। एंड जैसे ड्यूअल सिटीजनशिप, हमारे कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम है, राधा हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप, क्या है सिंगल सिटीजनशिप एंड जो कि यूनिटरी सिस्टम का फीचर है, और सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी सिस्टम का फीचर है। अब देखा जाए हमारे ये है, तो बता ना कुछ फीचर्स फेडरल के मिसिंग है, राधा वी हैव सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, दैट्स व्हाई वी आर नॉट 100% फेडरल, वी आर फेडरल टू अ लार्ज एक्सटेंट बट एट द सेम टाइम वी टेंड टू बिहेव लाइक अ यूनिटरी सिस्टम। नाउ अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो या कई बार वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम, वो क्या चीज है मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। कि साहब हमारे कंट्री में यूनिटरी सिस्टम के कुछ कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम बोलते हैं हम 100% फेडरल नहीं है, वी बोलते हैं वी आर फेडरल बट विद अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, मतलब कई बार टेंडेंसी है कि हम एक यूनिटरी सिस्टम की तरफ बिहेव, एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ बिहेव करने लग जाते हैं। नाउ वो देखिए जिसकी क्या चीजें जिससे पता लगता है कि एट टाइम्स वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम बट बेसिकली मेनली वी आर फेडरल सिस्टम। देखिए पहला
instances of unitary system या features of unitary system in our country या what are the situation where we start behaving like a unitary system, मतलब ऐसे क्या situations है, circumstances है जहां पे हम unitary system की तरफ behave करने जाते हैं। देखिए पहला point, देखिए अभी मैंने बताया था जो union list है इन द सेवन शेड्यूल, बताया तीन list है उसमें 97 एंट्री जो बताया सीरियल नंबर को एंट्री बोलते हैं, 97 एंट्रीज। अभी मैंने बताया था 1, 2, 3 इट गोज अप टू 97, क्लियर। ये हर एक एंट्री के अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ, बट 97 एंट्री ब्लैंक है, मतलब नंबरिंग की हुई है, एंट्री नंबर है बट इसके आगे लिखा हुआ कुछ नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट मेंशन। ये इंटेंशनली किया गया और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि अगर कोई सब्जेक्ट में लॉ बनाने की जरूरत पड़ी और वो सब्जेक्ट वो मैटर अगर यूनियन लिस्ट में कहीं पहली 96 एंट्रीज में नहीं है, फर्स्ट 96 में, स्टेट लिस्ट की भी किसी भी एंट्री में नहीं है 66 एंट्रीज में, और कॉन्करेंट लिस्ट की भी 47 एंट्री में कहीं भी नहीं है, मतलब यहां पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है, यहां भी नहीं है, और यूनियन लिस्ट की पहले 96 एंट्री में कहीं नहीं है, अगर किसी मैटर पे वो मैटर कहीं भी कवर्ड नहीं है, देन दैट मैटर विल बी डीम टू बी कवर्ड अंडर 97th एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट। मान लिया जाएगा तो मैटर कहां कवर्ड है, 97th एंट्री, मतलब ये नहीं कि हम लिख देंगे उसको, वो 97th एंट्री वैसे ब्लैंक रहेगी उसको, अच्छा वो आपको इसका तो मान लिया जाएगा कि वो मैटर 97th एंट्री में कवर्ड है, अच्छा वो 97th एंट्री है किस लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में ना कॉन्करेंट लिस्ट में, इसका तब ऐसी एंट्री सिर्फ यूनियन लिस्ट में ही है, तो कोई भी नया सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई जो सब्जेक्ट कहीं भी तीनों लिस्ट में कवर्ड नहीं है, ना यूनियन लिस्ट में पहली 96 एंट्री में कवर्ड है, ना स्टेट लिस्ट में कवर्ड है, ना कॉन्करेंट में, तो दो हमेशा वो मैटर का सब्जेक्ट कहां माना जाएगा, इट विल डी मान लिया जाएगा कि जैसे कि वो 97th एंट्री यूनियन लिस्ट में कवर्ड है, एंड इसका मतलब वहां मान लिया कवर्ड, हम लिख नहीं देंगे वो ब्लैंक ही रहेगी, इसका मतलब ये है फ्यूचर में फिर जरूरत पड़ेगी फिर 97th एंट्री का हम यूज करेंगे, इसे इफेक्टिवली ये 97th एंट्री क्या मैं इसको रेजिडोरी एंट्री बोल सकता हूं, कि हर वो मैटर हर वो सब्जेक्ट जो स्पेसिफिकली कहीं भी कवर्ड नहीं है वो सारे कहां कवर्ड माने जाएंगे, 97th एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट, तो कहने को रेजिडोरी, बच्चे खुचे सारे केसेस सारे सब्जेक्ट यहां कवर हो जाएंगे, और ये है सिर्फ यूनियन लिस्ट में, तो कैसे ऐसा कोई भी नया सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में कहीं भी कवर्ड नहीं है उस पर अगर लॉ बनाने की जरूरत पड़ गई तो 97th एंट्री में कवर्ड माना जाएगा, इसका मतलब हमेशा ऐसे मैटर पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, यूनियन लिस्ट पे कौन बना सकता है, पार्लियामेंट, इसका तो कह सकते हैं नए सब्जेक्ट पे जो तीनों लिस्ट में कहीं भी स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है लॉ कैन नॉट बी मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ओनली बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को हम सेंट्रलाइज बॉडी है, एंड तो क्या यहां पे हम कह सकते हैं ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पे जो कहीं भी कवर्ड नहीं है नए सब्जेक्ट क्या इस पे लॉ बनाने की पावर सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रलाइज सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है, तो डोंट थिंक स्टेट के पास ऐसी पावर नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम यूनिटरी सिस्टम, तो ये एक एग्जांपल है कि साहब ऐसे देख के लगता है कि जैसे कि वी आर बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम, कि ऐसे केसेस ऐसे पावर सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, तो क्या देख के क्या लगता है जैसे कि वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम, इज इट ओके नाउ। सेकेंड केस देखिए, सेकेंड इंस्टेंस जहां से पता लगता है कि एट टाइम्स वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ यूनिटरी सिस्टम, अच्छा अभी मैंने बताया जनरली स्टेटलेस मैटर्स पे स्टेटलेस सब्जेक्ट्स पे लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, अभी बताया था मैंने, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में पहले बता दिया, ओनली हु कैन मेक द लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन ये तो जनरली है, आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बताया था ना इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि पास्ट सर्कमस्टेंसेस में, फाइव सर्कमस्टेंसेस में इवन स्टेटलेस मैटर पे
पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ. मतलब जनरली स्टेटलीज मैटर में ओनली हु विल मेक द लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर. हाउएवर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहता है ये पांच सर्कमस्टेंस ऐसी हैं जिसमें स्टेटलेस मैटर पर भी लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है. अब देखिए आप यूनियनलेस मैटर पर तो पार्लियामेंट लॉ बना ही रहा है, पांच सर्कमस्टांसेस में स्टेटलेस मैटर पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और कॉन्करेंट पे भी पार्लियामेंट बना सकता है. तो ऐसा नहीं लगता कि साहब सारे मैटर पर पार्लियामेंट के पास पावर आ गई. डोंट थिंक ये चीज आर्टिकल 246 को देख के लगता है कि अगेन वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम. यूनिटी सिस्टम की सारी पावर्स एक जगह, लॉ मेकिंग पावर एक अथॉरिटी के हाथ में आ गई, दैट इज पार्लियामेंट. एंड वो पांच सर्कमस्टांस दे रखी है, नेशनल इंटरेस्ट. अगर कभी लगता है कि देश हित में ये जरूरी है तो आप नेशनल इंटरेस्ट में इवन स्टेटलेस मैटर पे ऊपर लॉ आपको पार्लियामेंट बना सकती है. जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं आपको, पुलिस जो है वो स्टेटलेस मैटर स्टेट सब्जेक्ट है. क्या है? स्टेट सब्जेक्ट पुलिस. देखो हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस सुना होगा एंड बिहार पुलिस महाराष्ट्र पुलिस एंड ऑल दैट, ठीक है. अलग अलग स्टेट की आपको, ठीक है. अगर सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत वाला जो केस चल रहा है उसके अंदर महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के अंदर टसल चल रहा है ऑल दैट, ठीक है. वो पुलिस है स्टेट सब्जेक्ट. अच्छा दिल्ली की बात करें, दिल्ली वैसे स्टेट भी है और उस स्टेट में एक ही सिटी, नॉर्मली एक स्टेट के अंदर कई सारे सिटी होते हैं, बट दिल्ली इज अ स्टेट हैविंग ओनली वन सिटी. अच्छा दिल्ली की जो पुलिस है, पुलिस स्टेट मैटर है, लेकिन दिल्ली है अलग से स्टेट भी, लेकिन साथ में नेशनल कैपिटल भी न्यू दिल्ली, देश की राजधानी भी है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसकी सिक्योरिटी एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि देश की राजधानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल के कंट्रोल में है. अब पुलिस देखो स्टेट मैटर है, पुलिस स्टेट मैटर है, तो देखा जाए दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली लेजिस्लेचर के कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन वो सेंटर के कंट्रोल में आती है. इसलिए कई बार सुनोगे कि अभी प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मिस्टर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, वो कई बार डिमांड करते हैं कि साहब दिल्ली पुलिस का कंट्रोल हमें दे दीजिए. तो आप सोचने वाले लॉजिक ऐसा क्यों, क्योंकि तो फिलहाल वो कंट्रोल सारा सेंटर के पास है. नेशनल इंटरेस्ट में किया गया कि देश की राजधानी है एंड बहुत सारे सिक्योरिटी इशू होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्री के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर ने इस पर कंट्रोल रखा हुआ है, बट अदरवाइज पुलिस स्टेट मैटर, पुलिस स्टेट मैटर. दूसरा इमरजेंसी, अगर देश में कभी इमरजेंसी लागू की जाती, जैसे आपने सुना इंदिरा गांधी ने एक बार देश में इमरजेंसी लागू की थी, आपने सुना तो होगा. तो इमरजेंसी में क्या होता है कि पूरे कंट्री में सारी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर भी काम नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं काम करती, और सारी पावर्स सेंटर के पास और पार्लियामेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है. तो डोंट थिंक जब सारी पावर्स ही सेंटर के पास आ गई तो उस तरह सिचुएशन में क्या इवन अलग अलग स्टेट की स्टेट लिस्ट मैटर पर भी लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट ही बनाएगा. एंड दैट इज सेकंड सिचुएशन इमरजेंसी. ये सब चीजें आपके लेवल की चीजें नहीं है, लेकिन आप टर्म मैं ब्रीफली बता रहा हूं. टर्म्स याद है किस किस सर्कमस्टेंसेस में आर्टिकल 246 के हिसाब से इवन स्टेटलेस मैटर पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ये सब चीज डिटेल में आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, एग्जीक्यूटिव वगैरह में हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे. नंबर थ्री, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स. अगर किसी स्टेटलेस मैटर पे किसी दो या दो से ज्यादा स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो स्टेटलेस मैटर के ऊपर भी आपको लॉ पार्लियामेंट बना सकती है. कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब बिटवीन इंडिया एंड सम अदर कंट्री इंटरनेशनल एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को अगर इफेक्टिव करना है, चाहे वो एग्रीमेंट किसी स्टेटलेस मैटर से रिलेटेड ही हो, तब भी उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. एंड पांचवा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट. अगर किसी स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल, अच्छा ये फ्रेज है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट का मतलब ये है उस स्टेट के अंदर कोई भी चीज संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, सब गलत काम हो रहे हैं, इलीगल काम हो रहे हैं. दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, नथिंग इज हैपनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. सुना होगा साहब ऐसे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, प्रेसिडेंट रूल, सुना होगा प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया जाता है ब्रेकडाउन. तो बोलते हैं साहब प्रेसिडेंट रूल लागू करने का रीजन ये होता है कि उस स्टेट के अंदर नथिंग इज हैपनिंग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेक हो गई है, चीजें गलत. एक हिंदी में होता है अराजकता, कि साहब कोई भी चीज सही ढंग से नहीं चला, अराजकता फैल गई है. तो ऐसे केस में कई बार सेंटर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है. प्रेसिडेंट रूल लगाने का इंपैक्ट क्या होता है, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जाएगा और वो सारी पावर सेंटर के पास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जब तक प्रेसिडेंट रूल चलेगा. एंड व्हाट वी कॉल द स्टेट लेजिस्लेचर, जिस स्टेट के अंदर
प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है उसकी पावर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। तो सोच के जब तक उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो स्टेट के स्टेटलेस मैटर्स पर भी लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा, क्योंकि स्टेट लेके स्टेट तो डिसॉल्व हो चुका है। एंड अच्छा, इमरजेंसी नॉर्मली पूरे कंट्री में लगाई जाती है, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई दी था, और प्रेसिडेंट रूल जो ब्रेकडाउन हो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो जिस पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाएगा उस स्टेट के रेस्पेक्ट में स्टेटलेस मैटर पर भी लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, क्योंकि स्टेट लेके स्टेट डिसॉल्व हो जाता है। तो ये पांच सर्कमस्टेंसेस आर्टिकल 246 में दे रखे हैं जिनमें आपको स्टेटलेस मैटर पर भी आपको लॉ कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट। अगेन डोंट थिंक लगता है सारी पावर लॉ बनाने के पार्लियामेंट के पास ही आ गई, तो वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग। तो ये भी एक सिचुएशन जिसको देख के ऐसा लगता है कि वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है ये और क्या चीज जिससे पता लगता है कि सब एट टाइम्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक यूनिटरी सिस्टम। सब जो कॉन्करेंट लिस्ट है मैंने बताया उसमें पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी, कॉन्करेंट लिस्ट मैटर पे बोथ यूनियन एज ए स्टेट कैन मेक द लॉ, दोनों लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है स्टेट लेजिस्लेचर भी। नाउ लेकिन अगर एक ही मैटर पे यूनियन कॉन्करेंटली से किसी मैटर पे पार्लियामेंट ने भी लॉ बना दिया और स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया और वो डिफरेंट है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्लैश कर रहे हैं, उसमें लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट, मतलब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो प्रिवेल करेगा, वो माना जाएगा एंड स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कैंसिल हो जाएगा। अगेन कह सकते हैं पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, हम उसी को मान रहे हैं कि सब वही सारा कुछ उसी का चलेगा। डोंट थिंक वी हैव स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ सेंट्रलाइज सिस्टम। एंड लास्ट आपको जो फीचर है यूनिटरी सिस्टम का, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मैंने पहले बताया था, एंड अनलाइक द यूएस जहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, एंड क्योंकि वो परफेक्टली फेडरल कंट्री है, एंड सिंगल सिटीजनशिप इज अ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम, और हमारे यहाँ ड्यूअल नहीं है, तो इसका मतलब फेडरल का वो वाला फीचर नहीं है, रादर यूनिटरी का फीचर है। अगेन इसी के अंदर कई बार हम यूनिटरी की तरह बिहेव करते हैं एंड बेसिकली हम, तो ये सारा डिस्कशन देखिए मैंने आपको बताया कि फेडरल क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, फिर बताया कि सर हमारे कंट्री में क्या क्या फेडरल सिस्टम के फीचर्स है, बट सारे फीचर फेडरल सिस्टम के नहीं है, कुछ मिसिंग है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह कुछ फीचर्स हमारे यूनिटरी के हैं। इसे बोलते हैं वी आर इन द मोस्ट क्वासी फेडरल, फेडरल विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी, कई बार हम सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह बिहेव, यूनिटरी सिस्टम की तरह बिहेव करने लगते हैं, बट बेसिकली वी आर मेनली फेडरल बट वी आर नॉट 100% फेडरल, 100% फेडरल नहीं है। आई होप आपको टॉपिक समझ। अब देखो एक टॉपिक डिस्कस करें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अब वो क्वेश्चन आ जाए कि सर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन आवर कंट्री इन इंडिया, अब उसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार में से आपको तीन तो यही दे रखे हैं जैसे ड्यूअल अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक दे रखा है ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है, तो ड्यूअल या व्हाट इज द फीचर वी डोंट हैव इन आवर कंट्री फेडरल सिस्टम, तो उसमें ड्यूअल सिटीजन दे रखा है तो वो राइट आंसर है, ठीक है, वो राइट आंसर है। तो ऐसे या उसमें तीन फीचर दे रखे लास्ट में ऑल अदर में दे रखा है और तीनों इसमें से दे रखे जो मैंने पढ़ा है, तो ऑल अदर आंसर, तो आपको क्वेश्चन लिस्ट के बारे में आ सकता है, वो लिस्ट कहां दे रखी है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग। तो देखिए कंसेप्ट अगर आपको पता है क्वेश्चन कहीं से आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट नहीं पता, हाँ लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना है, नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, नोट्स को मैं सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, तो आप उससे आप थरोली पढ़ेंगे, नोट्स को समझेंगे, लर्निंग करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, तो आपको कहीं दिक्कत क्वेश्चंस में नहीं आएगी। लेकिन खाली क्वेश्चंस करके सोचोगे, कई लोग क्या करते हैं टॉपिक ही नहीं पढ़ते, कंसेप्ट ही नहीं पता, और खाली क्या करते हैं दे ओनली दे व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, मैं बार बोल रहा हूँ इसके अंदर तुक्के कभी लग गया तो लग गया, और कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई कोई बात करे आपको कि आपने कुछ पढ़ा तो है नहीं, आप खाली क्वेश्चन सॉल्व करके, क्वेश्चन से कंसेप्ट नहीं चलते, कंसेप्ट से क्वेश्चन चलते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपने एक क्वेश्चन रट लिया कुछ दूसरा आ गया उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तीसरा आ गया आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट पता है तो हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब मैं इसी सेम चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लेंथी टॉपिक, इसमें बहुत कुछ हम पढ़ेंगे। टॉपिक हम स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स दैट इज टॉपिक आई एम स्टार्टिंग। देखिए फंडामेंटल राइट्स ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर
पहले फंडामेंटल लाइज का मतलब क्या है समझिए, ये टॉपिक दे रखा है, ये सब चीज भी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना है। पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बता रहे हैं, आज के दिन 25 पार्ट्स हैं, तो ये फंडामेंटल लाइज कहा गया पार्ट थ्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये सब क्वेश्चन बन देते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लाइज आई मेंशन, पार्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता, तो साथ में थोड़ा सा मैंने था फिगर्स नंबर्स जहां पर आपको ठीक है अमाउंट डेट इस तरह की चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अच्छा फंडामेंटलाइज का अभी मैंने बताया साहब, जब हमारा देश का संविधान बना था तो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के संविधानों को पढ़ा गया था और अलग अलग चीजें अलग अलग संविधान से जो अच्छा लगा सब हमने बोरो किया, मतलब बोरो से कॉपी कर लिया। तो जो फंडामेंटलाइज का जो कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री में दे रखा है, इट इज बोरोड फ्रॉम द यूएसए, इट इज बोरोड फ्रॉम दिस कंसेप्ट इज बोरोड फ्रॉम वहां से कॉपी किया गया है फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए और यू कैन से अमेरिका उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया। अगेन ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन बन सकता है कि सब कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, इसे यूएसए और अमेरिका की बात है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से ये कंसेप्ट को बोरो किया गया। नाउ सबसे पहले फंडामेंटलाइज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फंडामेंटलाइज। हम बोलते हैं फंडामेंटलाइज वो राइट्स हैं विच अ पर्सन गेट्स बाय वर्चू ऑफ बर्थ, जब उसका जन्म होता है जन्म के साथ ही उसे कुछ अधिकारों कुछ अधिकार मिल जाते हैं, एंड दोज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल, जैसे बोलने का अधिकार राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बराबरी का अधिकार राइट टू इक्वालिटी, तो ऐसे अधिकारों के नाम जो फंडा राइट्स तो बहुत तरह के होते हैं, फंडा मौलिक तो मौलिक अधिकार कि बाय वर्चू ऑफ बर्थ, मतलब दुनिया में जैसे आपका जन्म होता है आपको ऑटोमेटिकली कुछ अधिकारों का के लिए आप इंटाइटल हो जाते हैं, एंड दो राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल। इसलिए एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, एक बंदे का जब दुनिया में जन्म होता है बर्थ के साथ उसे वो राइट मिल जाते हैं, और उन राइट्स को क्या टेक्निकली एक नाम दिया गया फंडामेंटलाइज। इसका जब तक वो अलाइव रहेगा, जब तक वो जिंदा है, क्या वो राइट्स भी उसके साथ जुड़े रहेंगे? यस। इसका तक क्या जब तक वो अलाइव है क्या उसके फंडामेंटलाइज उससे अलग किए जा सकते हैं? नो, आंसर इज नो। क्यों अलग नहीं किया जाता? बिकॉज एक्चुअली वो उसकी बाय वर्चू ऑफ बर्थ जन्म के साथ उसे मिले हैं और उसके साथ हमेशा रहेंगे जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। इसे बोलते फंडामेंटल है, कोई अपने आप से अलग नहीं कर सकता, दे आर नॉट डिटैचेबल। मतलब कोई बंदा सोचे कि मैं फंडामेंटल है इसको अपने से अलग कर दूं या कोई, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं फंडामेंटलाइज आर इन एलियनेबल मतलब विच कैनॉट बी डिटैच्ड, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, विच कैनॉट बी डिटैच्ड, जिसे अलग नहीं किया जाता। फंडामेंटलाइज आर इन एलियनेबल, दैट जो डिटैच अलग नहीं किया जाता, क्योंकि बर्थ के साथ मिले और जब तक बंदा अलाइव है जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो राइट्स रहेंगे एंड कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता, एंड दैट इज द फंडामेंटल राइट्स आर इन इलेबल विच कैनॉट बी डिटैच्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब देखिए आप, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थ्री में सिक्स कैटेगरीज के फंडामेंटलाइज दे रखे हैं। वो सिक्स कैटेगरीज के फंडामेंटलाइज क्या है वो एक ही करके हम सारे फंडामेंटलाइज के बारे में बात करेंगे, बट वो क्या है बता दो, एक राइट टू इक्वालिटी, दैट इज वन कैटेगरी, एंड उसमें आर्टिकल 14-18 पांच तरह के हैं, बेसिकली आर्टिकल 14, 15, 16, 17 सब पढ़ाऊंगा, और पांचों में एक कॉमन बात है, सब इक्वलिटी की बात करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। आर्टिकल 14 इक्वलिटी की बात अलग तरीके करता है, 15 अलग तरीके से बात करता है, 16 अलग तरीके, नहीं इक्वलिटी की बात, इसलिए दे हैव बीन ग्रुप्ड अंडर वन कैटेगरी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल्स 14-18। नंबर टू राइट टू फ्रीडम, अगेन आर्टिकल 19-22, 19 से लेकर 22 तक चार आर्टिकल हैं, 19, 20, 21, 22, एंड ये फ्रीडम की बात करते हैं। नेक्स्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का शोषण ना हो, कि साहब मेरा शोषण ना हो, इसके अगेंस्ट मेरे राइट्स कि कोई मुझे एक्सप्लॉयट ना करे, ठीक है, वो बनेंगे आर्टिकल 23-24। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में हमें क्या फ्रीडम है, ठीक है,
आर्टिकल 25 to 28, ध्यान रखना ऊपर था राइट टू फ्रीडम 19 to 22, और ये राइट टू फ्रीडम रिलीजन धर्म के रिस्पेक्ट में फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल दैट इज द 25 to 28. नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स कैटेगरी कल्चरल एजुकेशन राइट, कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशन राइट, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 29-30. एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32. अभी टेंशन मत लेना, अभी एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे. अभी फिलहाल मुझे कुछ और चीज बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, लेकिन ये छह के छह तरह के फंडामेंटल राइट हम अलग अलग आपको डिटेल में हम बात करेंगे. आप देखो बीच में आर्टिकल 31 मिसिंग है. आर्टिकल 31 मिसिंग इन द सेंस कि पहले आर्टिकल 31 में भी कोई फंडामेंटल राइट दे रखा था, बाद में अमेंड होके अबॉलिश कर दिया गया, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है. तो आर्टिकल 14-18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19-22 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25-28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट आर्टिकल 29-30, एंड लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. अगेन टेंशन लीजिए, सब मैं डिटेल में आगे इसी चैप्टर में डिटेल में बात करूंगा. नाउ आपके नोट्स में आप देखेंगे हेडिंग मेरी फंडामेंटल राइट. अच्छा देखो एक चीज और समझा देता हूं कि आप पढ़ते, क्योंकि मैं नोट्स को समझना, मैं एक पैटर्न में नोट्स बनाता हूं. जहां पे नोट्स में कोई हेडिंग हो जो कैप्स में हो, कैपिटल में, बोल्ड हो और अंडरलाइन हो, यहां मतलब मेन हेडिंग स्टार्ट हो रही है. फिर उसके नीचे जितनी सब हेडिंग होगी वो बोल्ड होगी, अंडरलाइन लिंक कैप्स नहीं होगी. जैसे आप फंडामेंटल राइट मेन हेडिंग स्टार्ट हो, देखो कैप्स में भी बोल्ड भी अंडरलाइन भी. फिर उसके नीचे उसका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन, फिर उसी फंडामेंटल लाइन मेन टॉपिक के अंदर अगला सब टॉपिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट. एज बेसिकली ये सब क्या है, सब टॉपिक्स हैं. देखो ये बोल्ड है अंडरलाइन, लेकिन कैप्स में नहीं है, तो इसे आपको पढ़े. जहां अगला कोई आपको नजर आए जो फिर आपको अंडरलाइन है, बोल्ड है और कैप्स में भी है, मतलब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो, वहां से क्या है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया. तो ये पैटर्न मैं नोट्स बनाने का, जिससे कि एक पैटर्न आपको भी पता हो, आप उसके हिसाब से समझना. वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब पता लग ही जाएगा, बट फिर भी देखिए फंडामेंटल राइट जो छह कैटेगरी के हम पढ़ेंगे इसके बारे में. बट उससे पहले हम एक टॉपिक दे रखा है कंसेप्ट ऑफ स्टेट आर्टिकल 12. अब बोलेंगे साहब हमने तो टॉपिक फंडामेंटल राइट स्टार्ट किया था, इसमें साहब स्टेट का कंसेप्ट कहां आ गया, ये बीच में क्या आ गया, मैं बता देता हूं क्यों आ गया. जो स्टेट का जो कंसेप्ट है ये भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, तभी हम फंडामेंटल राइट टॉपिक के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. और ये स्टेट जो वर्ड है ये आर्टिकल 12 में डिफाइंड है. ये बताऊंगा आर्टिकल 12 में क्या डेफिनेशन दे रखी है. आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहां स्टेट को डिफाइन किया हुआ है. और कैसे डिफाइन किया और क्या किया हुआ मैं बताऊंगा. आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट हैज बीन डिफाइंड. देखिए यहां पे हाउ इट हैज बीन डिफाइंड वो सब चीज हम बात करेंगे. बट क्वेश्चन है हमें स्टेट के बारे में हम यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो फंडामेंटल राइट स्टार्ट हुआ था, फिर क्यों कर रहे हैं. मैं बता रहा हूं, देखिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल अगेंस्ट द स्टेट. इसका क्या मतलब है? फंडा अगर मान ले कोई ए है एंड इफ इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स, देन इन ऑर्डर टू इनफोर्स गेट हिज फंडामेंटल राइट्स ही कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट. किसके अगेंस्ट कोर्ट में जाए? स्टेट के अगेंस्ट. कि साहब स्टेट शुड बी ऑर्डर्ड, वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि साहब स्टेट को ऑर्डर कीजिए कि मुझे मेरे फंडामेंटल राइट दिलवाए. तो अल्टीमेटली अगर आप एनीवन इज डिप्राइव्ड एंड ही इज वंचित किया था, अ डिप्राइव्ड ऑफ योर फंडामेंटल राइट, तो वेयर ही विल गो, ही विल गो टू द कोर्ट अगेंस्ट हूम, स्टेट. तो किसके अगेंस्ट इन्फोर्स करा है? स्टेट के अगेंस्ट. कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है फंडामेंटल इन्फोर्सेबल अगेंस्ट स्टेट. इसका तो स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्सेबल है. इसका तो अल्टीमेटली क्या स्टेट का कंसेप्ट भी फंडामेंटल राइट से लिंक होता है, कि हम फंडामेंटल राइट हमने टॉपिक स्टार्ट किया, बट फंडामेंटल है किसके अगेंस्ट इन्फोर्स होता है? स्टेट के अगेंस्ट. एंड दैट्स व्हाई वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, क्योंकि जो भी स्टेट है एंड स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा है, हम उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट. अगर हमारे फंडामेंटल राइट हमें नहीं मिल रहे तो वी कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट. तो इसके लिए स्टेट की डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, जो आर्टिकल 12 में दे रखा है. कहां दे रखा है? आर्टिकल 12 में कंसेप्ट ऑफ स्टेट वो बताने जा रहा हूं. अच्छा एक चीज और, जो आम जिंदगी में स्टेट्स होते हैं साहब,
यूपी स्टेट, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, जो अलग राजस्थान, ठीक है, वो स्टेट नहीं है। इसका एक टेक्निकल मीनिंग आर्टिकल 12 में दे रखा है। तो जो आर्टिकल 12 में, एक चीज बताइए, कोई टर्म अगर लॉ में टेक्निकली डिफाइंड है तो वहां पे आप क्या जनरल मीनिंग ले सकते हैं? नो, क्योंकि जनरल मीनिंग लेना ही होता, लॉ में इतने सारे वर्ड्स यूज होते हैं कि सारे वर्ड्स डिफाइंड होते नहीं। तो जो जनरल लॉ मेकर्स क्या करते हैं, लेजिस्लेचर, पता है लॉ को मानते लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर क्या करता है, जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन लॉ में यूज हो रहे हैं और उसके वही मीनिंग लेने जो आम जिंदगी में यूज होते हैं, तो उसको फिर डिफाइन नहीं करते। वो तो बोला डिक्शनरी से आप या आम जिंदगी में वो अपने आप ले लेंगे, लेकिन अगर किसी वर्ड का एक्सप्रेशन का वो चाहते हैं टेक्निकल मीनिंग हो तो उसके लिए वो डिफाइन करते हैं। इस तरह अगर कोई भी चीज की डेफिनेशन लॉ में दे रखी है, इसका तो उसका टेक्निकल मीनिंग है। वी कैन नॉट गो बाय जनरल मीनिंग, वी कैन नॉट गो बाय डे टू डे मीनिंग, जो ऑर्डिनरी और आम जिंदगी में हम जो मीनिंग समझते हैं वो। अब यहाँ स्टेट डिफाइन किया हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल, है कि फंडामेंटल किस तरीके से स्टेट, तो डोंट यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेक्निकली स्टेट का मतलब क्या है आर्टिकल 2 वही समझना है, एंड वी कैन नॉट। तो इसलिए कई बच्चे ना जैसे हम तो स्टेट ये समझते थे, वो आप जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं। यहां जब डिफाइन किया इसका टेक्निकल मीनिंग है, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको मीनिंग आर्टिकल 12 से लेना है, जनरल मीनिंग नहीं लेना। आपको जनरल मीनिंग नहीं लेना, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए आर्टिकल 12, पहले रिलेवेंस मैंने बता दी कि साहब ये टॉपिक हम यहां क्यों पढ़ रहे हैं इन द टॉपिक फंडामेंटल लाइन, वो बता रहा था। अब देखिए आप स्टेट का जो कंसेप्ट है आर्टिकल 12 में जो दे रखा है वो देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ, हाउ इट हैज बीन डिफाइंड। ये बोल रहा है द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ। 1, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, एंड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कॉमन है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक ही बात। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर, हर एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर, अभी बताया था मैंने आपको विधानसभा विधान परिषद। नंबर 3, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर ही है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और लोकल अथॉरिटी कहां, कंट्री के अंदर है या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब स्टेट की डेफिनेशन एनालाइज करते हैं, जो डेफिनेशन दे रखी है, इज अ स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी है, अभी बता दें मैंने आपको, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बता दें एग्जीक्यूटिव में सारे गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। लोकल अदर अथॉरिटीज, अच्छा लोकल अथॉरिटीज का मीनिंग कुछ दे रखे हैं कि साहब आर्टिकल 12 में नहीं दे रखा, लेकिन अलग अलग केसेस में कोर्ट केस में बोला गया कि साहब लोकल अथॉरिटी टर्म आ रहा है इन आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन में, उसका मतलब उसमें क्या क्या ले सकते हैं अदर अथॉरिटी में, ये अलग अलग केसेस कोर्ट केसेस आया। जैसे कुछ केसेस में कहा गया एक्सप्रेशन लोकल अथॉरिटी इंक्लूड्स म्यूनिसिपैलिटी, सुना साहब नगर निगम नगर पालिका वगैरह होती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने स्कूल में पढ़ा होगा सोशल स्टडी वगैरह में, पंचायत, ये सब को लोकल अथॉरिटी में कवर हो गए। मतलब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लिखा एक्सेट्रा भी लिखा, मतलब ये कोर्ट केसेस आया। एक्सप्रेशन अदर अथॉरिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, अलग अलग स्टेट के सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी बॉडी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, यूनिवर्सिटीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल है। तो अरे इसमें भी जो एग्जाम्पल जितने आए लोकल अथॉर, उसमें कुछ लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे म्यूनिसिपल बॉडी है लॉ भी बनाती है,
सुना होगा साहब कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है, सुना होगा इस तरह की, वो म्यूनिसिपल बॉडी बनाती है। तो म्यूनिसिपल बॉडी कुछ में जितने एग्जाम्पल है उसमें कुछ आपके लेजिस्लेटिव बॉडी है, कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कैसी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कंट्री के अंदर है या अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे हैं कहीं पर भी उस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अच्छा एक चीज देखिए आप, अभी मैं और एनालाइज करूंगा, बट उससे पहले देखिए ये क्या है एग्जीक्यूटिव, ये क्या है लेजिस्लेचर, ये क्या एग्जीक्यूटिव, ये क्या लेजिस्लेचर, उसमें लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों आ रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल में कुछ लेजिस्लेटिव बॉडी को एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का कंसेप्ट दे रखा है एंड उसके अंदर क्या कवर, तो आपको साहब ऑल द लेजिस्लेटिव बॉडी टॉप टू बॉटम एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव बॉडी टॉप टू बॉटम, ठीक है। मतलब स्टेट में एक लाइन बोलते साहब जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो सब स्टेट का पार्ट है और जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ मेकिंग बॉडी सब स्टेट का पार्ट। अब देखो यहाँ स्टेट का मीनिंग कितना डिफरेंट आ रहा है, अब वही जनरल सेंस में जो समझते हैं कि यूपी स्टेट, हरियाणा स्टेट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, वो क्या डिफरेंट होता है कि नहीं होता, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, या तो यहाँ वो भी चीज में कवर्ड है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट कवर्ड, लेकिन ये बहुत वाइड कंसेप्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। नाउ अब एक चीज है अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक चीज देखिए आप एग्जाम्पल देते हैं, अब एम्बेसी सुना हो सबने, अरे इंडिया में क्या अलग अलग कंट्री के एम्बेसी सिचुएटेड है, क्या उसी तरीके से दूसरे कंट्री में इंडियन एम्बेसी होती होगी, ये सुनो, जो यूएसए में इंडियन एम्बेसी, यूके में है, कनाडा में, जर्मनी में, जापान में, अलग अलग कर सब कंट्री में इंडियन एम्बेसी मिल जाएगी। इसे बोलते हैं कई बार आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, जैसे मान लिया आप यूएस घूमने जा रहे हैं, अब वहां कोई दिक्कत आ गई तो आपको इंडियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वो है यूएसए में सिचुएटेड लेकिन वो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, वो बनाए। ऐसे इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्री की एम्बेसी यहां भी है, वो आपस में एक इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने की कोई बात, कोई इंटरनेशनल दो कंट्री के बीच में कोई बातचीत होनी तो एम्बेसी के थ्रू होती है। अच्छा मान लिया एक एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्री में किसी भी कंट्री में सिचुएटेड है तो वो इंडिया में नहीं बाहर है, बट उसमें कंट्रोल तो सेंट्रल को इंडियन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जैसे इंडिया में अगर यूएस एम्बेसी है तो उसमें कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, किसका है, यूएस गवर्नमेंट का है। तो कैसे था वो इसके अंदर कवर हो सकती है, इसे अथॉरिटी अदर अथॉरिटी में आ जाएगा, अंडर द कंट्रोल, जरूरी इसका था कि जरूरी नहीं कि सब इंडिया में ही सिचुएट हो, ये तो पहले आ गया विद इन द और इंडिया अंदर, इसका तो इंडियन एम्बेसी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में है, दे आर द अदर अथॉरिटी एंड दे अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली इसका क्या वो भी स्टेट में कवर हो गए, वो भी स्टेट में कवर हो गए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड दे ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट, दे ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट दैट डिफाइंड इन द आर्टिकल नंबर 12। अब एक सवाल और होता है, इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो डेफिनेशंस होती है, एक्चुअली क्या होता है एक चीज पढ़ते समय 500 चीजें आती हैं और वो सब चीज पढ़ते जाइए समझते तो क्या धीरे धीरे आगे जाके चीजें स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि वो चीजें बार बार उसका यूज होता रहे। जैसे अभी मैंने लिस्ट के बारे में बता दिया, यूनियन लिस्ट, अब वो बार बार लिस्ट की बात है तो आपको बार बार बताई होती है लेकिन आपको पता नहीं लिस्ट क्या होती है, कहां दे रखी है, इसका मतलब क्या है, इसको क्यों बनाएगी लिस्ट, तो क्या होता है फिर बार बार रेफरेंस आगे समझ ही नहीं पाएंगे आप। नाउ जो डेफिनेशंस होती हैं, मैं मतलब खाली यहां की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कोई भी लॉ पढ़िए आप, एनी लॉ, जो डेफिनेशंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक बोलते हैं एग्जॉस्टिव और एक बोलते हैं इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव, एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होती है और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है। देखिए एग्जॉस्टिव डेफिनेशन की पहचान कैसे, कैसे पहचानेंगे डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है, अगर डेफिनेशन में मींस लिखा हो या मींस एंड इंक्लूस लिखा हो, मतलब हम ए को डिफाइन कर रहे हैं, देखा ए मींस या बी को, बी मींस इंक्लूड समझे, ये पहचान है, या तो मींस हो या मींस इंक्लूड्स हो। इंक्लूसिव की पहचान क्या, डेफिनेशन में खाली इंक्लूड्स लिखा हो, जैसे मैं एक्स को डिफाइन कर रहा हूं तो लिखा एक्स इंक्लूड्स सो एंड सो, इसका तो वो इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो पहले पहचानते कैसे कि सर एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है, अगर डेफिनेशन के अंदर मींस लिखा हो या मींस इंक्लूड्स लिखा हो वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, अगर खाली इंक्लूड्स लिखा हो तो कौन सी है, इंक्लूसिव। अब देखिए इसका मतलब क्या, अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन पहले पहचानते कैसे है, अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है तो उसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है, अगर मैं बोलता ए मीन सो एंड सो,
अगर किसी चीज को ए होना है तो उस मीनिंग में फिट होना पड़ेगा, और हर वो चीज जो उस मीनिंग में फिट हो रही है वो ए है, और जो फिट नहीं हो ए नहीं है। तो क्या मैंने ए की पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर दिया है? और कोई चीज ए हो ही नहीं सकता जो उस मीनिंग में फिट नहीं हो रहा, जो फिट हो रहा है खाली वही ए हो सकता है। तो सिंस आई हैव एग्जॉस्टेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए, क्या ए हो सकता है जो उस मीनिंग में फिट होगा, जो उसकी डेफिनेशन फिट होगा, जो नहीं फिट होगा वो ए नहीं हो सकता। तो क्या ए की हमने आपको पॉसिबिलिटी एग्जॉस्ट कर दिया, एग्जॉस्टिव नाम पड़ गया। इंक्लूसिव, देखिए इंक्लूसिव का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन होती है कि डेफिनेशन में जो चीज दे रखी है वो तो होती है, मतलब बी इंक्लूड सो एंड सो या एक्स इंक्लूड सो एंड सो, तो जो जो चीज डेफिनेट वो तो एक्स ही है। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है कि और भी चीज एक्स हो सके, पॉसिबिलिटी है और भी चीज एक्स हो सकती है, मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं किया हमने, और भी चीजें डेफिनेशन में दे रखा है वो तो है ही है। इसके अलावा एक्स इंक्लूड सो एंड सो, एक्स की डेफिनेशन है इंक्लूसिव, एक्स इंक्लूड सो एंड सो, इसका जो दे रखा है वो तो एक्स ही है, इसके अलावा और भी चीजें एक्स हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये एग्जॉस्ट नहीं किया है अभी, और भी पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली उसी तरीके से अब ये मैंने कंसेप्ट समझाया, ये डेफिनेशन दो तरह की होती है, एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव की पहचान क्या है, इंक्लूसिव की पहचान क्या है, एंड एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है ना। अब आप खुद मुझे बताइए, जो स्टेट की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी है कि इंक्लूसिव है, यस वो स्टेट इंक्लूड्स खाली लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव, इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन के अंदर जो चीज दे रखा है वो तो स्टेट है ही है, वो तो मैंने बता ही दिया जो दे रखा है, लेकिन इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी है कि और भी चीजें स्टेट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में कुछ चर्चा करें। अच्छा ये चर्चा ही इसलिए हो रही है कि डेफिनेशन क्या है इंक्लूसिव है। अच्छा इसकी जगह डेफिनेशन ऐसे होती स्टेट मीन्स या स्टेट मीन्स इंक्लूड्स, तो ये डिस्कशन नहीं होता, जो डेफिनेशन में दे रखा है सिर्फ वही स्टेट, इसके अलावा कुछ और स्टेट नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि सिंस द डेफिनेशन इंक्लूसिव तो और भी चीजों की पॉसिबिलिटी है कि वो भी स्टेट हो सकता है, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि और क्या क्या चीजें स्टेट हो सकती है, और ये सब इस कारण से चर्चा हो रही है बिकॉज डेफिनेशन क्या इंक्लूसिव, डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। नाउ अब देखिए आप एक सवाल उठा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज होती हैं, जिसे गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, जैसे कह सकता हूं एलआईसी के थ्रू गवर्नमेंट इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, तो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज, वो कंपनी हो सकती है अदर बॉडी, मतलब जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर रही है, ठीक है। आपने सुना इरकॉन जिसे रेलवे काम करती है, तो बेसिकली इरकॉन इंटर रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं, एलआईसी मैंने एग्जांपल दिया, ओएनजीसी, ओएनजीसी जिसके और नेचुरल गैस का काम कर रही है, नेचुरल गैस, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी क्या इन्हें स्टेट मान सकते हैं नहीं मान सकते, क्या ये स्टेट है नहीं एज पर आर्टिकल 12, मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट का मतलब है उसके में ये कवर होते हैं। अब ये सवाल क्यों उठा उसका रीजन बताता हूं, ये सवाल उठा क्यों ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड। देखिए क्वेश्चन इसलिए उठा कि व्हाई दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड, ये भी समझिएगा कि सब गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी स्टेट है या नहीं, ठीक है, एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने दो केस डिसाइड किए, दोनों केस में एक ही बात कही है, दोनों केस लिखे हैं आपके, एक आरडीसीटी केस रामानंद दयानंद सेट्टी केस, शॉर्ट में लिखा आरडी सेट्टी केस वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा अजय हासिया केस, दोनों ही केस सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किए, दोनों में मोर लेस सेम बात कही गई, इसलिए एक साल में लिख दिया। अच्छा सवाल उठा क्यों कि साहब गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को स्टेट मान, देखिए आपसे मैं एक चीज, गवर्नमेंट के स्टेट है यस, अभी आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी उसमें गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट कवर्ड है, तो गवर्नमेंट तो स्टेट है, ये तो डेफिनेशन से पता लग रहा है। तो इनका ये सवाल था कि जब गवर्नमेंट स्टेट है तो गवर्नमेंट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो डिफरेंट काम करे तो क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टेट मान सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट अलग चीज है, क्या मैं एलआईसी को गवर्नमेंट बोल सकता हूं? नो, एलआईसी नॉट अ गवर्नमेंट, एलआईसी इज एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, ये सुनो, तो ये गवर्नमेंट थोड़ी है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि साहब गवर्नमेंट अलग चीज है, गवर्नमेंट तो स्टेट है डेफिनेशन से पता लग रहा है, ये सब पार्ट ऑफ द स्टेट आर्टिकल 12,
लेकिन जो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, जैसे यू कैन से LIC, यू कैन से ONGC, दे आर गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी स्टेट नहीं, दे आर नॉट स्टेट, कोई गवर्नमेंट थोड़ी है, स्टेट नहीं मानी जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों केस में सब जनरली गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को हम स्टेट नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट स्टेट है बट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी आर नॉट स्टेट। लेकिन पास सिचुएशन, पास एक्सेप्शंस हैं, अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी उन पांचों में से किसी भी एक्सेप्शन में फॉल करती है, देन दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कैन बी ट्रीटेड स्टेट। उस गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को जनरली हम गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को स्टेट नहीं मानेंगे, कोई गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट, सो स्टेट नहीं। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी पांच में से किसी एक भी एक्सेप्शन में फॉल करती है तब उसे स्टेट माना जा सकता है, बट जनरली नो, बट येस इन सम केस इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी स्टेट, इट कैन बी कंसिडर्ड टू स्टेट। ठीक है, अच्छा ये मैंने बताया क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव है तभी सब बातें हो रही है, तभी कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने इसे इंटरप्रिटेशन दी। अब वही डेफिनेशन एग्जॉस्टिव होती, स्टेट मींस, स्टेट मींस इंक्लूड्स, इतनी बात ही नहीं होती, इतनी बात ही होती, बात ही खत्म, कि जो डेफिनेशन में वही स्टेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है एंड दैट्स व्हाई ये चर्चा हुई। तो यहां बोला गया सब गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी या गवर्नमेंट कंपनी स्टेट नहीं है, लेकिन पांच केस दे रखे हैं पांच, अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी उन पांचों में से किसी भी केस में फॉल करती है देन इट कैन बी कॉल्ड एज स्टेट, इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेट। वो कौन से पांच केसेस देखिए, पहला इफ द एंटायर शेयर कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी की 100% कैपिटल ही गवर्नमेंट के पास है तो उस केस में वो गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को स्टेट मान सकते हैं। इफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज डीप एंड परवेजी कंट्रोल ओवर द कॉर्पोरेशन, मतलब क्या है, उस कॉर्पोरेशन पे, उस गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी पे गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल, डीप एंड परवेजी कंप्लीट, मतलब गवर्नमेंट उसके रिस्पेक्ट में सारे फैसले खुद ले सकती है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ कंसल्टिंग, आस्किंग एनीवन, किसी की अप्रूवल नहीं होती है। अगर ऐसी सिचुएशन है देन दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कैन बी ट्रीटेड स्टेट। वेयर द कॉर्पोरेशन, दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कॉर्पोरेशन, एक ही बात है, एंजॉय मोनोपोली स्टेटस। मोनोपोली स्टेटस का मतलब क्या है कि साहब आप जो काम कर रहे हैं सरकार ने आपको मोनोपोली दे रखी, वो काम सिर्फ आप कर सकते हैं, किसी और को करने की इजाजत ही नहीं है, क्या मोनोपोली है। अगर ऐसा है किसी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी का तो उस केस में दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, जैसे आज रेलवे का काम क्या सिर्फ आपको गवर्नमेंट ही कर सकती है, और गवर्नमेंट ने उसको काम करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इन कौन, इंडियन रेलवे कह सकते, क्या कह सकते हैं उसकी मोनोपोली है। ये रेलवे कोई आपको कह सकते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि साहब एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वो रेलवे कोचेज वगैरह बनाती है एंड ऑल दैट, ठीक है, तो कहने से दैट इसकी मोनोपोली इन दैट बिजनेस एंड दैट इज कैन बी ट्रीटेड स्टेट। अगर कोई कॉर्पोरेशन है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके फंक्शन पब्लिक इंपॉर्टेंट थे, अच्छा क्या सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर का काम करना, भाई गवर्नमेंट इज सपोज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अब वैसा ही कोई काम अगर कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन कर रही है तो कह सकते यू आर बिहेविंग लाइक गवर्नमेंट, यू आर बिहेविंग लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू आर बिहेविंग लाइक सरकार जैसे पब्लिक वेलफेयर काम करते आप भी वही काम कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, then that government control body can be treated as state. And lastly, if a department, again, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां मुझे लगता है आपके लिए सिर्फ पॉइंट्स पता होना चाहिए बहुत डिटेल में, इस लेवल पे ना आप डाइजेस्ट कर पाएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा, तो वहां मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, जहां मुझे लगता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ये सब चीजें और भी डिटेल में आपके नेक्स्ट लेवल पे भी आएंगे एग्जीक्यूटिव में, तो वहां बहुत चर्चा करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ऑल दैट, ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए पॉसिबल क्योंकि MCQ बेस्ड पूरा पेपर है एंड अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो अननेसेसरी आपके लिए टॉपिक भी बहुत लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट चीज, अगर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, अच्छा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट अब आर्टिकल 12, तो गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट किसी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को ट्रांसफर कर दिया तो कहने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी, गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है लेकिन काम तो गवर्नमेंट का करने क्योंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही शिफ्ट कर दिया, जैसे गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो स्टेट का पार्ट है, लेकिन वो पूरा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने किसी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को दे दिया कि ये पूरा काम आप देखिए, तो देखा जाए कहने के लिए गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है बट वो काम तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रही है, ऐसे केस में दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टेट। तो पांच एक्सेप्शन, जनरली आंसर क्या है, इन बोथ द केसेस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट बट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी दे आर द इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट जिससे तो सरकार डिफरेंट डिफरेंट काम करती है, इसलिए वो सरकार अलग है और वो अलग है इसलिए वो स्टेट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी अगर इन पांचों में से किसी भी केस में बोल करते हैं उसकी पूरी कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, ठीक है, उसको मोनोपोली स्टेटस है या पब्लिक वेलफेयर काम कर रही है गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी,
या कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो अगर पांचों में से किसी कोई भी कैरेक्टर से किसी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी में है, देन दैट गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज द स्टेट. जनरली नो, बट इनमें पांच केस में इट कैन बी ट्रीटेड एज द स्टेट. ऐसी केस में काबू ए आर अंतुले. अच्छा एक चीज आपको सवाल मैं एक साहब से पूछूंगा, इतने इश्यू क्यों उठे कि सर हमें स्टेट मान लो, हमें स्टेट कुछ ना कुछ बातें उठी होंगी, कोर्ट में केसेस गए होंगे तभी तो बांटते. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, हमारे देश के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दे रखा है कि सब जो भी स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12, जो आर्टिकल 12 की हम बात कर रहे हैं, उसको बहुत सारे प्रिविलेजेज हैं. उसे पहला प्रिविलेज है, बहुत सारे प्रिविलेजेज हैं. पहला प्रिविलेज जीरो टैक्सेस, कोई भी तरह टैक्स नहीं लगेगा. अब आपको समझ में आएगा सब इतनी सारे गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी क्यों क्लेम कर रहे कि सर हमें स्टेट मान लो. जनरली आंसर नो है, लेकिन कुछ केस में मान सकते हैं. आपकी इनकम पे टैक्स जीरो हो जाएगा, इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्टेट है एज पर आर्टिकल 12 उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस दे रखे हैं देश के संविधान ने, एंड उन प्रिविलेजेस में पहला प्रिविलेज है जीरो टैक्सेस. आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह बहुत बड़ा एडवांटेज है. उस एडवांटेज को पाने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी अलग अलग केसेस में कोर्ट में गई, क्लेम किया कि हमें स्टेट मान लिया जाना चाहिए. लेकिन नेट रिजल्ट ये कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जनरली आप स्टेट नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में आप स्टेट माने जा सकते. क्योंकि अगर स्टेट अगर मान लिए गए तो उसका एडवांटेज क्या है, जितने प्रिविलेजेस देश के संविधान ने स्टेट को दे रखे हैं एज पर आर्टिकल 12, जो भी स्टेट एज पर आर्टिकल 12, वो सारे प्रिविलेजेस उस गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी को मिलने जाएंगे, एंड वो बहुत बड़े फायदा है. सबसे पहले तो टैक्स ही जीरो हो जाएगा, बहुत बड़ा एडवांटेज है. एंड ऐसे केस में बात हुई ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक की, जो जुडिशियल बॉडी है कोर्ट्स हैं क्या उनको स्टेट मान सकते हैं. एक्चुअली लॉजिकल देखिए, अभी डेफिनेशन जो हमने पढ़ी स्टेट की, उस डेफिनेशन के अंदर या तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज कवर्ड है या लेजिस्लेटिव बॉडी कवर्ड है, मतलब तीन पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी, कहीं पर भी जुडिशियल बॉडी कोर्ट्स कवर्ड नहीं है. इसलिए इस केस में भी कहा गया कि साहब जुडिशियल डेफिनेशन के हिसाब से और कहीं देखो मैं और भी चीजों की पॉसिबिलिटी है इंक्लूसिव, लेकिन ये थोड़ी कुछ भी कवर कर देंगे, कोई लॉजिक तो होना चाहिए इसका, कुछ भी थोड़ी कवर कर सकते हैं बट पॉसिबिलिटी है. तो एक्चुअली उस केस में कहा गया कि सब जुडिशियल बॉडी कहीं भी डेफिनेशन में कवर नहीं हो रही, खाली लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी कवर है. इज अ कोर्ट्स जुडिशियरी कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द स्टेट, कैन नॉट बी ट्रीटेड स्टेट. लेकिन कभी कोई कोर्ट को जुडिशियरी अगर नॉन जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज, नॉर्मली जुडिशियल फंक्शन दैट इज इंटरप्रेटिंग द लॉस, जुडिशियल फंक्शन होता है जुडिशियरी काम है. अगर आप नॉन जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज करें, नॉन जुडिशियल का मतलब क्या है, या तो लेजिस्लेटिव फंक्शन जो लेजिस्लेचर काम करता है, या आप नॉर्मल कोर्स में जुडिशियरी वो काम नहीं करते, लेकिन कभी कभी एक्सपायरी एक्सेप्शन. अगर कोई जुडिशियरी नॉन जुडिशियल फंक्शन, नॉन जुडिशियल का मतलब क्या है, या तो लेजिस्लेटिव फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अगर कभी कोर्ट ऐसा करता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट बिहेविंग लाइक अ जुडिशियल बॉडी, इट इज बिहेविंग लाइक द लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी. तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसे भी स्टेट मान सकते हैं, उसे भी स्टेट मान उसको, बट जनरली नो. लेकिन जब तक वो जुडिशियल फंक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जब नॉन जुडिशियल वाला सिचुएशन आएगा तब उसे स्टेट माना जा सकता है. तो ये अब देखो इतने सारे डिस्कशंस क्यों हुए. पहली बात तो फंडामेंटलाइज के टॉपिक में हमने स्टेट की बात क्यों की, फंडामेंटलाइज किसके अगेंस्ट इन्फोर्सेबल, अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है, तो स्टेट की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी, तो डेफिनेशन से देख के लगा सब लेजिस्लेटिव बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी टॉप टू बॉटम जो भी लेवल पे सब कवर्ड है, सब स्टेट का पार्ट है. लेकिन आपको हमने और भी डिस्कशन की, और भी क्या चीज, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव. आई होप यू हैव अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नाउ अब मैंने था फंडामेंटल राइट वैसे आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18. एक आर्टिकल 12 पढ़ा, एक आर्टिकल 13 और पढ़ेंगे छोटा सा, देखिए वो ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है. एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. तो अभी आप इस लेक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, आर्टिकल 13, जस्टिफाइबिलिटी और अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जस्टिफाइबिलिटी और अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 13. देखिए क्या
आर्टिकल 13 में बेसिकली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं आर्टिकल 14 ऑनवर्ड्स अप टू 32, क्या वो अमेंड हो सकते हैं या नहीं, वेदर दे कैन बी अमेंडेड और नॉट, दैट इज द बेसिकली टॉपिक, जस्टिफाइबिलिटी और अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसे अमेंड किया जा सकता है या नहीं। इस बारे में आर्टिकल 13 बोलता है, ध्यान सुनिएगा, एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच अफेक्ट्स द फंडामेंटल राइट इज इनवैलिड। कोई प्री मींस बिफोर, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का लॉ, पोस्ट मींस आफ्टर, प्री मींस बिफोर, पोस्ट मींस आफ्टर, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का कोई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का कोई लॉ, जो भी फंडामेंटल राइट विच अफेक्ट्स, विच अफेक्ट्स द फंडामेंटल, मतलब अगेंस्ट उसके, उसे क्लैश कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, क्लैश कॉन्ट्राडिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल राइट एज इट इज चलेगा, लेकिन जो लॉस के साथ क्लैश कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और पोस्ट, चाहे वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बनाओ या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाओ, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, वो लॉ इनवैलिड, मतलब फंडामेंटल राइट एज इट इज रहेगा। और इसको देख के लग रहा है कि सब फंडामेंटल राइट को हम अमेंड नहीं कर सकते, किसी भी लॉसेस को अफेक्ट नहीं कर सकते, यही बात लग रही है आर्टिकल 13 से। लेकिन तो इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि साहब ये सही लिखा हुआ है या नहीं। तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही फेमस केस के नाम वगैरह भी थोड़ा क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत फेमस केस डिसाइड ऑफ गोलकनाथ केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटलाइज कैनॉट बी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फंडामेंटलाइज कैनॉट बी अमेंडेड, अब्रीज, अब्रीज में कम करना, शॉर्ट कम कर देना, और टेक इन अवे, उसको अबॉलिश कर दिया बाय एनी लॉ। ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाइल इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 13, ये फंडामेंटल कैन नॉट अमेंड नहीं हो सकते, एब्रीज कम नहीं किए सकते, टेकिन अवे पूरा हटा ही दिया, ये कुछ भी बाय एनी किसी भी लॉ से नहीं कर सकते। फंडामेंटल कैन नॉट बी अमेंडेड, कैन नॉट बी एब्रीज, एब्रीज में शॉर्ट कम करना, उसको डायल्यूट कर देना, या टेकिन अवे मतलब खत्म ही कर दिया, अबॉलिश कर दिया बाय एनी, मतलब किसी, कैनॉट, कैनॉट लिखा होना, कैनॉट बी फंडामेंटलाइज, कैनॉट बी अमेंडेड, एब्रीज और टेकिन अवे बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ से उसको अफेक्ट नहीं कर सकते। और गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया, यहां लॉ में इवन दिस लॉ इंक्लूड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी, मतलब लॉ में यहां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हम ले रहे हैं, मतलब यह लॉ जो वर्ड है इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी या किसी भी लॉ से इंक्लूडिंग द बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटलाइज कैनॉट बी अमेंडेड, कैनॉट बी अब्रीज, कैनॉट बी डायलूटेड, कैनॉट बी टेकन अवे बाय एनी लॉ, चाहे वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट ही हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी आप चाहे फंडामेंटल को आप ऑल्टर कर दें, अमेंड कर दें, वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली गोलकनाथ केस में ये डिसीजन दे तो दिया गया, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था। क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्यों मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इसे एक आपको एक कंसेप्ट, एक फिलॉसफी भी समझ में आएगी। ये सब एक कॉन्ट्रोवर्शियल इसलिए, अच्छा एक चीज बताओ, इससे क्या हो गया, फंड इस डिसीजन के हिसाब से अगर देखें तो फंडामेंटल राइट्स तो स्टैटिक हो गए, स्टैटिक मतलब फिक्स हो गए कि साहब जो हैं सो हैं, कोई भी लॉस है हम उसको अमेंड नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, उसको एबॉलिश नहीं कर सकते, डायल्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी नहीं कर सकते, एनी लॉ, और लॉ में हमने लॉ वर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी ले लिया, इसका तो क्या है
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी फंडामेंटल राइट को हम अफेक्ट नहीं कर सकते। जिसका तो फंडामेंटल है तो स्टैटिक हो गए, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, कोई भी लॉ है फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक लॉ है कि हमारे फंडामेंटल राइट है। लॉ अल्टीमेटली किसके लिए बनता है? सोसाइटी के लिए। सोसाइटी स्टैटिक एंड डायनेमिक है। सोसाइटी डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, समाज में बदलाव होते रहते हैं। सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग, सोसाइटी नॉट स्टैटिक, सोसाइटी डायनेमिक। तो जिस समाज के लिए लॉ बना हुआ कोई भी लॉ, और समाज डायनेमिक है, तो लॉ कैसे स्टैटिक हो सकता है? इसलिए आप सुनते लॉ में चेंजेज आते रहते हैं, अमेंडमेंट चेंजेज, ठीक है नए, इसीलिए तो आते हैं। कोई नहीं लाएंगे तो वो जो पुराने लॉ बने हुए, समाज बदलता जा रहा है, पुराने लॉ से नया समाज से चलेगा नहीं, तो उसके लिए हम नए लॉ बनाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। इसलिए बोलते हैं सोसाइटी के लिए लॉ है, एंड सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी इज डायनेमिक। सोसाइटी कीप्स ऑन चेंज, सोसाइटी बदलती रहती है, सोसाइटी में बदलाव आते रहते हैं। कितने बदलाव हम रोजमर्रा जिंदगी में सुनते रहते हैं कि सोसाइटी में पहले ये चीज एक्सेप्टेड नहीं थी, अब एक्सेप्टेड है, तो बदलाव ही तो समाज, तो समाज के लॉ है। तो जब समाज बदलेगा तो क्या लॉ को बदलना पड़ेगा? एंड अदरवाइज वो लॉ इरेलीवेंट हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, एंड उसकी रेलिवेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बात गोलकनाथ केस में कही उसकी हिसाब से तो फंडामेंटल तो फिक्स हो गए, स्टैटिक हो गए, इसको हम किसी भी तरीके से अफेक्ट ही नहीं कर सकते, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी नहीं कर सकते। अब सोच के देखिए सिचुएशन, मान लो एक फंडामेंटल कोई राइट है, कोई फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन, और समाज में देखा गया उस फंडामेंटल का कई लोग मिसयूज कर रहे हैं, कई लोग मिसयूज कर रहे हैं, दिया गया यूज कर लिए, कई लोग मिसयूज कर रहे हैं। अब उस मिसयूज को रोकने के लिए, उस मिसयूज को रोकने के लिए हमें फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन हम तो चेंज कर ही नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू गोलकनाथ केस आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके भी चेंज नहीं कर सकते, तो डोंट थिंक गड़बड़ हो रही है। अब बोले मिसयूज हो रहा, होने दीजिए, हम तो कुछ नहीं करते, डोंट थिंक गड़बड़ है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड कि कोई भी लॉ स्टैटिक नहीं होगी साहब, ये हमेशा के लिए बन गया, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आज रेलिवेंट है, हो सकता है 10 साल बाद रेलिवेंट, इसलिए लॉ बदलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए गोलकनाथ केस में डिसीजन तो ये आया, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था, मैंने बताया कि कॉन्ट्रोवर्शियल गलत डिसीजन था। तो बाद में इस डिसीजन को रूल आउट कर, मतलब डिसीजन को ओवर रूल करने के लिए, कि जब डिसीजन इनवैलिड हो जाए, उसके लिए आर्टिकल 13 के अंदर सब आर्टिकल 4 डाला गया, जैसे सेक्शन सब सेक्शन होता ना लॉज में, वैसे आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 1, 2, 3 तो पहले से थे, एक सब आर्टिकल 4 डाला गया। और सब आर्टिकल 4 में क्या लिखा गया कि आर्टिकल 13 के जो प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अप्लाई नहीं होंगे। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 13 शेल नॉट अप्लाई टू द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 13 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, अभी तक होता है ना एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एनी पोस्ट को, मतलब कोई भी लॉ से हम फंडामेंटल अफेक्ट, उसी में गोलकनाथ केस डिसाइड हो गया। लेकिन अब बोल रहा है कि जब क्योंकि वो गोलकनाथ केस कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, तो मैंने बताया गड़बड़ है उसके अंदर, तो उसको ओवरराइड करने के लिए आर्टिकल 13 ये सब आर्टिकल 4 डाला गया। एंड उसमें बोला कि साहब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, अगर फंडामेंटल राइट को आप डायल्यूट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं इन अप्रोप्रिएट केसेस, तो उसमें आर्टिकल 13 किसी तरह की अड़चन पैदा नहीं करेगा। मतलब प्रोविजन आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई, आर्टिकल 13 मना कर रहा ना कि फंडामेंटल राइट यू कैन नॉट ऑल्टर, अमेंड, यू कैन नॉट डायल्यूट इट, ठीक है, एब्रिज नहीं कर सकते, यू कैन कांट टेक अवे। लेकिन वो आर्टिकल 13 उसी में गोलकनाथ के डिसाइड हुआ था, आर्टिकल 13 जो मना करता कि फंडामेंटल को आप ऑल्टर नहीं करते, ये बात अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहें बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम कर सकते हैं, वहां आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब चीजें बेटर हुई कि जनरली फंडामेंटल राइट किसी भी लॉ से अफेक्ट नहीं हो सकता, किसी भी लॉ से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉन। लेकिन एक चीज से हम फंडामेंटल को अमेंड कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट कैसे, बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड। अभी थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दे रहा था कि पहले एक आर्टिकल या ना 6 कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मैंने आर्टिकल 30 तक चला, फिर आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 31 पहले हुआ करता था, वो भी एक फंडामेंटल राइट था। क्या बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वो फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर दिया? सोच के देखिए, अगर ये नहीं होता आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 जो बोलता कि, तो उसके बाद फिर तो फंडामेंटल स्टैटिक हो जाते। अब इसका मतलब ये नेट रिजल्ट ये निकला कि जनरली फंडामेंटल राइट्स को किसी भी लॉ से अमेंड नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते।
अगर कोई लॉ से अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फंडामेंटल राइट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, राधा वो लॉ जो से अफेक्ट कर वो इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन एक तरीका है जिससे हम फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, दैट इज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके हम चेंज कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। अच्छा, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 में जो बात लाके अब बैलेंस किया गया, गोलकनाथ केस तो कॉन्ट्रोवर्शियल था, इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में चैलेंज किया गया, सब ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 लिख दिया है ये गलत है। लेकिन केशवानंद भारती केस ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस चैलेंज को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब ये वैलिड है, ये जो लिखा है सही लिखा है, एंड पहले जो डिसीजन गोलकनाथ केस में वो गलत थे बताया, इसलिए का पूरा पता होना चाहिए पहले क्या हुआ क्या, एंड वो गोलकनाथ केस या पहले गड़बड़ था, लेकिन ये जो लिखा गया ठीक लिखा है। अब हमने बैलेंस क्रिएट किया कि फंडामेंटली जनरली किसी भी लॉ से अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जरूरत पड़े तो हम उसे चेंज कर सकते हैं बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्योंकि अमेंडमेंट जब करेंगे तो आर्टिकल 13 जो मना करता कि फंडामेंटल अफेक्ट नहीं होते, वो आर्टिकल 13 के प्रोविजन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर अप्लाई नहीं होंगे। तो केशवानंद भारती केस में इसको चैलेंज किया, सब ये गलत लिखा गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सब ये वैलिड है, आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 जो लिखा हुआ सही लिखा है एंड वैलिड है, एंड इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसे अमेंड करके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जब अगर आप फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर करने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रहे हैं तो ये ध्यान कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब क्या है, वही जो 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रीएम्बल में दे रखे हैं, बता ना, इंडिया जो सॉवरेन कंट्री, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उस पे कोई बैड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये आपके पास। इसका मतलब सारी बात मिलाकर देखें, सारी बात अगर मिला के देखें, नेट रिजल्ट आज के दिन क्या है, जनरली फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, अफेक्टेड, अमेंडेड, अब्रिज और टेकन अवे बाय एनी लॉ, वेदर इट्स अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हाउएवर, इफ द नीड अराइजेस इन अप्रोप्रिएट केसेस, फंडामेंटल राइट्स मे बी अफेक्टेड, मे बी अमेंडेड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिर्फ एक ही तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा करते समय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम छेड़ नहीं सकते। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वही 5 कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे प्रीएम्बल में दे रखे हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करके सॉवरन कैरेक्टरिस्टिक हटा दिया, सोशलिस्ट, वो नहीं कर सकते। वो 5 चीजें जो प्रीएम्बल में दे रखी है वो उसको बिना अफेक्ट किए हुए आप बाकी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर सकते हैं बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब और किसी लॉ से नहीं, किसी और एक्ट से या और किसी लॉ से फंडामेंटल अफेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई एक्ट है उस है, पता ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉज, तो वैसे भी कोई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे जाएगा, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो कोई भी अदर लॉ, कोई भी अदर एक्ट वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो अगर वो करने की कोशिश करे तो वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा, फंडामेंटल राइट पर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अप्रोप्रिएट केसेस में अगर फंडामेंटल राइट का कोई मिसयूज हो रहा है, उसे रोकने के लिए हमें ऑल्टर, तो उसका एक तरीका है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। बट वाइल डूइंग सो वी शुड इंश्योर दैट बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड, शुड नॉट बी अफेक्टेड। तो ये आज के दिन नेट पोजीशन है कि फंडामेंटल राइट ऑल्टर हो सकते हैं, अमेंड हो सकते हैं, डायल्यूट हो सकते हैं, अबॉलिश हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके लिए आज नेट पोजीशन ये है। लेकिन पोजीशन डेवलप कैसे हुई ओवर अ पीरियड टाइम, वो मैंने पूरा डिस्कशन किया। आज के नेट पोजीशन ये है कि जनरली नहीं हो सकते, एक तरीका है बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट उस प्रोसेस में ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर विच मीन्स बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड नॉट बी डायल्यूटेड, शुड नॉट बी अफेक्टेड। सो आज मैंने आर्टिकल 12, 13 और उसके पहले फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम पढ़ाया। तो आज हमने फंडामेंटल राइट टॉपिक जो स्टार्ट किया था, पहले तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फेडरल यूनिटरी, और जो फंडामेंटल राइट टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमने फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है और सारी चीजें, और 2 आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर में जो 3rd लेक्चर होगा ऑन दिस चैप्टर, उसमें आई विल स्टार्ट विद द डिफरेंट सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एंड वो हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप ये लेक्चर पूरा पढ़ने के बाद आपको काफी सारी चीज समझ आएगी, काफी आपको इंटरेस्ट भी आएगा, एंड लॉ भी बात आपको लगेगा सब बहुत इंटरेस्टिंग। मैं बोलता हूँ लॉ के बारे में, आपको जितना आप लॉ पढ़ेंगे समाज की समझ उतनी बढ़ती है, क्योंकि पूरा समाज ही लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, एंड यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। तो ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।